सभी को हरे कृष्णा। आज बेलवन की परिक्रमा है गुरुदेव के साथ और आज वृंदावन की पहली धुंध। देखो सामने यमुना जी का दर्शन नहीं हो रहा है, कितनी धुंध हो रही है, बिल्कुल जगह जोर भरा पड़ा है सब कुछ। सूर्यनारायण देव निकल चुके हैं, परिक्रमा मार्ग के ये सब लोग देखो इतनी ठंड में परिक्रमा कर रहे हैं, पूरा धुंध है इस समय। आज वृंदावन की पहली धुंध, इसका सुंदर दृश्य गुरुदेव के साथ। हाँ हाँ तुम्हारे साथ में आएंगे, हम यमुना किनारे में खड़े मेन रोड, यमुना आगे है, तुम आ इधर आ जाओ। अभी जब जरूरत हो तब ना सर। नहीं धुंध दिखा रहे हम तो, धुंध दिखा रहे हाँ, धुंध देखो दिख रहा है। हाँ स्टार्ट हो गया, खूब दिख रहा है। देखो 8-9 लोग आ भी गए, थोड़ा यमुना जी के दर्शन करा के आते हैं ना। हाँ तो साथ चलेंगे ना, आचमन ना करेंगे, आचमन करके 9 बजे बैठेंगे, आचमन करके 9 बजे बैठेंगे। सूरज दिखा ना, सूरज रोको नहीं। हाँ कल यहीं थे, आज जाना था। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। चलो एक बार दिखा के आ जाओ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे। हरे हाँ धुंध हो रही है, परिक्रमा आ चुकी है हमारी, ये आने लग रही है, ये आज धुंध चल रही है कंटिन्यू। गुरुदेव आ गए, राम राम हरे हरे। बोट राइड का नौ का मजा अगर लेना चाहते हो, गरम करवाने लाइव ऑन बहुत जल्दी है हमारा सुनो जगह। हरे राम हरे राम 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 जी जी बिल्कुल नहीं आया, चलो बढ़िया क्योंकि इतना इतना महंगा तो आता नहीं यूज के उड़ता है, महंगा तो आता नहीं यूज के उड़ता है, क्या जी महंगा तो आता नहीं यूज के उड़ता है। Oh,
बैंड। ये देखिए आप, हाँ उस दिन जो लोग दर्शन नहीं किया, कहा इमली तला का दर्शन नहीं किया, उनको और एक बार दर्शन करवा देते हो इमली तला मंदिर। गिर जाएंगे लोग। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम यमुना वाणी की धुन अंदर। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय।
सिटीजन है उन्हें छोड़ के जब आएंगे या दूसरे नए होंगे? नहीं, छोड़ के आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, हो गया। प्रभु जी और आ लिए, गुरु जी और आ लिए, मारे उत्तम प्रभु आ गए। श्रीकांत प्रभु की जय। हमारे स्कूल के बच्चे केक भी नहीं डालते, पौराण को चावल का नहीं खाई लो। गौरा जय जय महाराज जी, हमारा दूसरा नाव कहाँ गया? हाँ ओके, चल दो चल, चलेंगे तो वापस आएगा। हाँ ले चलूँ नाव फिर। ठीक है, ओके।
वोटिंग की चिंता ना करो, सब इंजन और आप लोग तो दर्शन हम लोग दर्शन। दो भक्त आपस में मिलते हैं सुंदर तरीके से, दर्शन कीजिए आप। तू भी शुरू हो गया उनकी तरह। ये हाँ, ये भी भाई ऐसे बोलो कि देखो ज्येष्ठ भ्राता कनिष्ठ भ्राता को आशीर्वाद दे रहे हैं। सर तो आप खुद ही बोल रहे हैं गला दबा के। ये जीव उद्धार नहीं कर रहे, ये जगत उद्धार कर रहे, क्योंकि मेरे जैसा असुर पूरे जगत का नाश करेगा, इसलिए मेरे को ही लंबा सुर। कान पे बांध दू इसको, बांध लू कान पे। अच्छा मेरे को लगा इसको पकड़ के बांध के मार देना। वहाँ दिखाना गुरुदेव की तरह देखने की चीज, हम क्या देखने की चीज। इसको मत्था पे लगा दो, उसको बांध। बंसी बारे की जय, बिलवन की जय, जमुना महारानी की जय, ये प्रसाद पाओ पाके सो जाओ की जय। अरे वो कहाँ गया आंसू क्या इशू कहाँ गया महाराज? अगले महीने एग्जाम है उसका। अगला महीना क्या डच भाषा की तैयारी कर लिया? वो हरिद्वार से आया ना महाराज जी, विष्णु महाराज जी के पास गया था, तो वहाँ से आया, तबियत खराब हो गई, तो मेरी बात हुई थी, कहता अभी बुखार थोड़ा सा चढ़ा हुआ। कोरोना हो गया होगा बुखार? नहीं नहीं तेरी आवाज ना वहाँ पल्ली पार पहुँच रही होगी। चला जाएगा देखो, वो छोड़ के भी आ गया। धाम भी है, चलो चलो बंद करो। इधर आओ, इधर आओ, हरी इधर आ जा बेटे। अगर फोन जमुना जी में गिर गया तो गया गया गया। दोनों साइड में। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है। अरे बस ना मारा नहीं। अच्छा बस बस तू आ गया, मोटा ब्रो, बस मोटा ब्रो थोड़ा आगे हो जा। दोनों साइड में, साइड में बैलेंस करके बैठो एक साइड। अरे उधर बैलेंस कर रहा हूँ उसको। अच्छा अब फिर ठीक है। अच्छा दोनों साइड में बैलेंस करके बैठो। आप बीच में बैठो, वो देखो कुछ को नो बोले उस साइड कोई तो बैठो, मुझे बैलेंस करके बैठो। बैलेंस में मोटी बहुत है भाई, तुझे ना अकेले कोई इस तरफ सारे बिठा दिए हमने, महाराज जी भी इसी तरफ बिठा दिए। देखो मां को जरा नाव झुक गई। कैसे की इसको फिर भर गए ना, घूम जाओ। ओए लाला और आगे आ जाओ, घूम जाओ बैक उस तरफ। आपको नहीं बोल रहा, ऐसे बोल रहा सब इसमें आगे। इतना माता पिछले दिखा था। जय श्री जमुना महारानी की जय। शुरू करो, तुम जब जाएंगे ना लोग खींच लेना, मैं तुमको पैसा दे दूंगा, ठीक है? क्या है ले तो क्या आ गया, आ गया, आ गया। लो, 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 लो,
सिकरा सिकरा तुरंत काश पाप ने भी पाप हारनी पेचे आती पाप नो भी पाप सिंधु तारनी नीर माधुरी भी इस चित बंदनी माम पुनातु सर्वदा रविंद बंधु नंदनी हारी वारी धारिया भी मंडी तोरु खांडवा पुंडरी को मंडल दंड जाली पांडवा स्नान काम पाम पाप संपद माम पुनातु सर्वदा रविंद बंधु नंदनी जंतु दुर्विपाक मर्दनी नंद नंदनांतरंग भक्ति पूर्ववर्धनी तीर संगमाभिलाषी मंगलानुबंधनी मंपुनातु सर्वदारविंद बंधु नंदनी द्वीपचक्रवाल जुष्ट सप्त सिंधु भेदिनी श्री मुकुंद निर्मितोरु दिव्य केलि वेदिनी कांति कंदली भी रंग नील विंद नंदनी मंपुनातु सर्वदारविंद बंधु नंदनी मातुरेन मंडलेन चानुनाभिमंडिता प्रेमनाद वैष्णववर्धनाय पंडिता उर्मिदोर्विलास पद्मनाभ पाद वंदनि मंपुनातु सर्व रविंद बंधु नंदनि रम्भ मान गोकदम्ब भूषिता दिव्य गंध भाकदम्ब पुष्पराजिरुषिता नंद सुनु भक्त संग संगमाभिनंदनि मंपुनातु सर्वदा रविंद बंधु नंदनि पक्ष मल्लिकांश हंस लक्ष कूजिता भक्ति विद देव सिद्ध किंकराली पूजिता ंदनि मंपुनातु सर्व रविंद बंधु नंदनि वारि पूर्वभुव सुवापिनि कीर्तितापि दुर्मदोरु पाप मर्म तापिनि बल्लभेन्द्र नंदन अंग राग भंग गंदनि मंपुनातु सर्वदा रविंद बंधु लाला बेलमणि जाने के लिए रास्ता किधर हमारे साथ साथ चलना तू हमको ले चलना साथ पुत्र सर्वदेव वेष्टिना यस्तु नीति वर्धयस्व सर्व पाप मोचने भक्ति पूर्वस्य देवी पुंडरीक लोचने मंपुनातु सर्वदा रविंद बंधु नंदिनि 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 यमुना महारानी की जय। हमारे उत्तम प्रभु जी ने बहुत सुंदर यमुना अष्टकम गाया, इसको हम अधन जैसे पापियों ने सुना। मैं पूरी नाव आ गई, मैं पूरी दुनिया को क्यों कहूंगा। देखो बच्चा भाग रहा है, तो बच्चा तो भागे गए। उसने बोल दिया, उसने बोला ना ना ना, वो बच्चे बोल दिया। अंदर खड़ा कर लेना चाहिए था ना, इससे क्या होगा। तो मैं भी बांध लूँ सकता हूँ, मुझे पता नहीं था आज मैंने इतना, नहीं तो मैं टोपा लेकर गया, टोपा भूल मैं भी जैकेट पहन गया था। अभी दो मिनट का है प्रभु जी, देखना एकदम गर्मी हो जाएगी। उस तरफ से इधर से जाने से सही है, इधर से भी रास्ता है हमारा। चल इस तरफ से भी तो रास्ता है ना, थोड़ा ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा फिर, थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा। फिर महाराज जी आगे चले जाएंगे, अब खींच जल्दी से फोटो इधर इधर खड़े हो जाओ।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे आजा उनको बचा ले जा रहे कहाँ जा रहे तुम हाँ चलो ये रास्ता एकदम सीधा है चलो चलो हमको दिखा दो ओ इधर में जितने वो खेतों में दौड़ना पड़ेगा ठीक ठीक हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधा रमन हरि ओ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन ओ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय महाबन केशी घाट वंशी भट द्वादश कानन जहा सबे लीला कैला श्री नंदे नंदन श्री नंद जशोदा जय जय गोपगण सीता मादी जय जय धेनु वत्सगण
जय विश्व भानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय जय पूर्णमासी आभिर नगरी जय जय गोपीश्वर वृंदावन जय जय कृष्ण शाखा बटु द्विजराज जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन वासी जत जन जय द्विज पुत्री जय नाग कुंडगण आहा भक्ति ते जहारा पाइल गोविंद चरण बोलो शिराश मंडल जय जय राधा श्याम जय जय रासलीला सर्व मनोरम जय जय जल रस सर्व रस सार परकिया भावे जहा ब्रजेते प्रचार नवा पाद पद्म करिया स्मरण दिन कृष्ण दास कहे नम संकीर्तन श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदा सरस्वती गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे चलो चलो अब आप जाने का काम हरे राम रास्ते छोड़ दो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय नारायण हरि नारायण हरि
देखो ब्रश देख में डिब्बे देखिए हमारे बाबा जी महाराज भी आ रहे, कैसे आ रहे जाते तो उन्होंने अरे अरे बोल अरे अरे प्लेयर बाबा जी महाराज पूरा हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमारे साथ ब्राजील से भी है गौर सिस्टर हरि हराये नम कृष्ण यादव आये नम हरि हराये हरि हराये नम कृष्ण यादव आये नम यादव आये माधव आये केशव आये नम गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम आहा गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन आहा गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन नित्यानंद श्री अद्वैत गोपा श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गोपा श्री चैतन्य नित्यानंद आहा हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता हमें ये तो पूछा था, वहाँ सही चल रहा है ना, मैं पहले तो पूछ रहा था।
मैं ये तो पूछा मैं आपके लक्ष्य मैं पहले पूछ रहा था तुम्हारे मन्ना मुड़ तो पूछ लिया मन्ना कोई बात नहीं परिक्रमा हो रही है कैसे दोबारा बताओ नौ करते करते उसे तो भी समझ नहीं था कितनी चीर होगी कहाँ जा रहे हैं आंख बंद मेला में जाते ना यहाँ से रास्ता ही है फोन में कहीं रख रखा मैंने अच्छा क्या है नाचो बजे रास्ता होगा अभी डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना दोबारा करो तो पता नहीं कोई अभी अब दूसरा करो पकड़ ले वो बच्चा कहां पकड़ गया ए पकड़ कर पकड़ेगा रास्ता है ए पकड़ एक बार ओरे भगवान पकड़ ले कौन आराम से कट गया बेलवन में रहने के लिए बोल रहा है इसको छोड़ेगा नहीं ए भगवान मेरा फंस गया सब बड़ोत जाएंगे यहाँ से एक बस लगाऊंगा पूरी बड़ोत की सबका बड़ोत महाराज जी बस लगा दूंगा कृतिक वासी थी बड़ोत की सब बैठो बड़ोत सारे हाँ वहाँ भूमि पूजन करेंगे जाते हैं मटका इधर खेतों के लो ना खेत इतने सुंदर लग रहे हैं खेत मधुर मधुर वंशी बाजे मधुर मधुर वंशी बाजे वंशी नहीं बजा तो सगा कैसे आएगा मने आनंदे बल हरि भज वृंदावन ललिता विशाखा आदि जत सखी ललिता विशाखा आदि सखी मने आनंदे बल हरि भज वृंदावन आनंदे बल हरि सीदम सुदम दम्ब सुदम जत सखागण मने आनंदे बल हरि भज वृंदावन आनंदे ललिता विशाखा जत सखी गण जत सखी गण मने आनंदे बल हरि भज वृंदावन आय श्यामली धवली आदि जत गाभी गण मने आनंदे बल हरि भज वृंदावन आय श्री गुरु वैष्णव पदे Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai
आहा नीताई गौरांग जयो नीताई गौरांग ओहो नीताई 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 गौरांग आहा नीताई 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 गौरांग ओहो नीताई नीचे जाय रे अमर गुरु नीचे जाय नीताई नीचे মন রাঙা পায়ের সোনার নূপুর কত শোভা পায় আরে দেখবি যদি আর তোরা ছুটে ছুটে আরে দেখবি যদি আর তোরা জলদি জলদি এমন রাঙা পায়ের সোনার নূপুর কত শোভা পায় Hare Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. ये कौन सा रास्ता दे दिया? राम 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 हरे हरे। जीपीएस दिखाता नहीं है खेतों वाले ने। चलो चल भाई तू आगे चल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गोपाल जाए जाए। क्या हो रहा है? आप तो जंगल में घुस गए। राधा रमन हरि गोविंद जाए जाए। यहाँ कोई आया नहीं ना एक साल से, तू कैसे हो गया? गोपाल जाए जाए। अरे ये आ गया टी पॉइंट। अब टी पॉइंट बताओ कहाँ जाना है? इधर चले जाते ना मैप डालो मैप मैप दिखाता हूं मैप मैप दिखाओ गूगल सर्च करो मैप गूगल फटाफट निर्माण काल था आज करते हां काल करते गाड़ी में आराम से आ जाते हम रास्ता से दर्शन करते हुए निर्माण एक अच्छा रहता ना ये ना सीधा मंदिर में जाता महाराज जी तो ये आधी मंदिर के गेट में चलो सीधा मंदिर गेट पहुंच जाएंगे वापस घूम के यमुना जी में पहुंच जाए करी करी एक घंटा हम लोग चलते रहे अरे देखिए कितना सगन वन है ब्रज मंडल में Yeah.
राधे गोविंद गोविंद राधे। अरे पहली बार आज ऐसी बेकार वस्तु। राम राम हरे हरे। पता नहीं ये फिर टी पॉइंट आ गया। अब बताओ तो यहाँ से कहाँ जाना है। मारे जा रहे हैं, वे चल रहे हैं आगे, उन्हें पता ठीक है। देखा रुको, अरे रुको, हमें भी आना था। ये भैया बेलन कितनी दूर है यहाँ से? हरिवल कितनी दूर है? 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट पहुंचेंगे। 10 मिनट में हरि बोल, हरि बोल, हाँ सीधा हेलीकॉप्टर मंगाओ, से बैठ बैठ के आएंगे सब। तुम हेलीकॉप्टर लेके आना, ठीक है ना? ठीक है, वो हेलीकॉप्टर वहाँ खड़ा है। पुष्पक महान बुलाएंगे। अरे जलेबी जलेबी खत्म हो गया। जलेबी जलेबी बंद करके चलो।
जब आप इस गोपनीय भवन में जाएंगे लोग टूट टूट के पड़ेंगे ना कहाँ हो रहा है आज तो सुबह कहाँ पे सब रहा इसको बुलाओ ना सब उठा लेगा श्री कृष्ण चैतन्य कब हरि बोल सिया बेलबन इधर से जाएंगे ना कितना दूर है थोड़ा दूर रह गया थोड़ा दूर रह गया आधा ही आधा रहता आ रहा जब से आधा करते करते आधा खा लिए आज की परिक्रमा पूरी खतरनाक होती हुई सब थक चुके सही कह रहे थे महाराज नहीं होगा कभी ट्राइपॉड ने भी महाराज जी सही कह रहे थे गाड़ी वाले थे कल सारे कृष्णा कृष्णा हरे हरे रामो हरे रामो राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे चल रहे हैं हम हमारे गले के रखवाले कन्हैया
आ गया रोड पे आ गए मैं। ये भी कच्ची रोड है, बन रही है। आ गए ये लक्ष्मी जी बेलवन में ठाकुर जी प्रार्थना करती हुई। जय राधे जय कृष्ण, राधे जय कृष्ण।
लक्ष्मी देवी जी का प्रसाद, लक्ष्मी प्रसाद, लक्ष्मी प्रसाद। हरि बोल गुरु तो प्रसाद। देखा हम लोग का 100 घंटा लगे क्यों जाए, रिकॉर्ड नहीं करना है। सुनो, मैं रिकॉर्ड नहीं करने एक बात बताता हूँ। एक क्यों बताएंगे 10-11 तो मंगल होता है ना। ठीक है, ज्यादा ही बताऊंगा। जिलेबी बना, जिलेबी कहाँ बिगिनिंग का है पता ही नहीं चलता है। ऐसे दोनों चाचा भतीजा मिलके जिलेबी खिला पता ही नहीं चल रहा। देखते रहिए। अरे कितने कर देंगे उत्तम वैष्णव? दादा भजनी जदी
Yeah.
चंद्राय सपरिकारी युगल किशोराय च ब्रज धामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। एक साथ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में इस स्थान में आए हुए। स्थान का नाम बेलवन, ब्रजमंडल में 12 वन प्रधान है, मधुबन तालवन कुमुदवन बहुलावन काम्यवन खजीरवन वृंदावन श्रीभद्रवन भांडीरवन बेलवन महावन लौहवन। इस 12 वनों में से एक प्रोमिनेंट वन है बेलवन। हम लोग सबसे पहले तालवन गए थे, ताल का पेड़ तो था फल नहीं था। इधर बेलवन है, बेल में फल भी लगा हुआ है। देखो बनमा जा बैठे हैं, प्राचीर के उस पार देखो एक बड़ा बेल गाछ पेड़ है, बेल भी लगा हुआ है प्राचीर के उस पार, नहीं दिखता है। सिधर महाज के इधर देखो पास में उधर ही बेल लगा हुआ है, दोनों में बेल लगा हुआ है। देखा अब जिस पेड़ में अधिक बेल लगा हुआ है वो पहले बोलेंगे। देखो बनभाज के साइड में बेल में अधिक पेड़ है, पेड़ में अधिक बेल है, इसीधर भाज के पेड़ में अधिक बेल है। ठीक है बनभाज पहले बोलेंगे। उसमें माइक डबल कर दो, आवाज तेज जाएगी। दोनों माइक लगा दो उसमें। हाँ हाँ दोनों लगा दो, जब तेज जाएगी दोनों माइक लगा दो। संजय बोलते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्री गुरुपाद पद्म लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यनाथ भक्ति वेदांत श्री बावन वैष्णवी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यनाथ भक्ति वेदांत श्री नारायण वैष्णवी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित प्रपूज्य चरण सन्यासी वृंद मातृवृंद गुरुगत प्राण सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु शत्रुवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथाथ दंड प्रणाम सिखाता। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में 84 क्रोश ब्रजमंडल धाम परिक्रमा करते करते यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यह स्थान बेलवन है। आप लोग ने अभी अभी श्रवण किया, ये वृंदावन ये ब्रज में जो है द्वादश मान विशेष दिखाया गया, उससे अपेक्षा और भी शास्त्र में कहा गया द्वादश उपवन भी है, 12 वन और 12 उपवन भी है। ये द्वादश वन में जो मुख्य वन दिखाया गया इसमें बेल वन की विशेष प्रसिद्धि हमारे आचार्य पाद ने दिखाया। देखो हम लोग कितने दुर्लभ स्थान में आए, जो दुर्लभ वस्तु के प्राप्ति करना है उसके साधन भी कैसे होने चाहिए। दुर्लभ गुरुदेव एक उदाहरण देते थे, ये साग खरीदने के लिए कितना पैसा खर्च होता है, पालक साग आगे मेथी साग है, किंतु देखो साग खरीदने में ज्यादा पैसे नहीं लगते, किंतु देखो ये सोने चांदी आदि खरीदने में कितने पैसा लगता है, बहुत पैसा, उससे भी अधिक वस्तु जो मूल्यवान वस्तु जैसे कहा जाता है हीरे जवाहर डायमंड, इसे खरीदने में भी कितना पैसा लगता है,
उससे भी अधिक जो है चिंतामणि और ये सब खरीदने में कितना पैसा लगता है। अर्थात कहने की तात्पर्य जो है ये जो वस्तु इतने दुर्लभ है और उसके साधन भी उतने दुर्लभ है, कठिन है। ठीक उसी प्रकार हम लोग जमुना पार करके हम लोग बेलवन आ रहे हैं। देखो हम लोग भटकते 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 लुढ़कते और किसी भी तरह से जो है लक्ष्मी देवी के चरण कमल में पहुंच गए, पहुंच गए। बोलो लक्ष्मी देवी की जय। ये लक्ष्मी देवी के इसके कहा जाता है लक्ष्मी बन भी कहा जाता है, बेल बन भी कहा जाता है। विशेष करके सभी लोग बेल बन के नाम में प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ की कथा यहाँ पर वर्णन है। एक बार नारद ऋषि सर्वत्र भ्रमण करते करते वैकुंठ में पधारे। वही वैकुंठ में जाकर के नारद ऋषि देखो वृंदावन की गोपियों की महात्मा वर्णन करते हैं। उन्होंने विशेष करके राधा आदि गोपियों के साथ कृष्ण के जो रासलीला की कथा वर्णन किया, इस रासलीला की कथा श्रवण करके लक्ष्मी देवी के हृदय में बहुत उत्कंठा जगी, रोग भी हुआ कि हम भी रास में प्रवेश करें। ऐसे कोई जीव नहीं है जो रास में प्रवेश करना नहीं चाहते क्योंकि रास शब्द की अर्थ है रसत्ते असत्ते इति रास। जहाँ पर रस की मधुरता है जहाँ पर ऐसे कोई प्राणी है जो रस आस्वादन करना नहीं चाहते हैं। देखो इस संसार में हम लोग माइक जगत में पड़े हैं, इस माइक जगत में हम लोग भी छह प्रकार के रस आस्वादन करते हैं। कड़वा भी लेते हैं और मिठाई भी लेते हैं, ये छह प्रकार के रस है। देखो हमारे जिहा के जो है अंदर में छह स्थान जो है, उस छह स्थान के द्वारा हम लोग छह प्रकार के रस आस्वादन करते हैं। जो बायोसाइंस आदि पढ़ते रहते हैं उसके पता लगता है, बट डॉक्टर जो है वो बता देते हैं। ठीक उसी प्रकार इस जड़ जगत सड़रस सड़रस भोजन हम करते हैं, किंतु देखो हम जिस कथा को रस आस्वादन करने के जा रहे हैं, हम श्रवण कर रहे हैं उसके वजह से चीत रस, ये चीत रस प्राप्ति करने के लिए इतने कठिन साधन भी करना पड़ेगा। और उसमें चीत रस में सर्वोत्तम रस जो बताया गया कौन सा रस, जय जो जलो रस सर्वरस सार पारकिया भवे जता ब्रजेत प्रकाश। ये ब्रज में ही एकमात्र रास विद्यमान है, परतत्त कृष्ण स्वयं भगवान जिनके 64 गुण में जो है चार मधुर माधुर्य सर्वोत्तम रूप माधुर्य गुण माधुर्य लीला माधुर्य और रेणु माधुर्य, ये चारों गुणों की इसे वैशिष्ट दिखाया गया। और आज में विशेष करके जो है कृष्ण के दो मधुरिमा सर्वोत्तम रूप में प्रकाशित होते हैं, वो है क्या वेणु मधुरिमा यानी वेणु के ध्वनि जो है निसम्म गीतम तदनंद वर्धनम। कृष्ण के वेणु ध्वनि सुन करके सारे गोपिया अपने अपने क्रिया कर्म आदि त्याग दे करके गोविंद की तरफ दौड़ने लगे। देखो इससे कहा जाता है कृष्ण के वेणुधन के मधुरिमा ना है? और दूसरी है कृष्ण के दूसरी क्या होता है रूप मधुरिमा, कृष्ण के ऐसे सुंदर रूप जे रूप दर्शन करके सभी मोहित हो जाते हैं। इसलिए रास में कृष्ण सर्वोत्तम रूप का प्रकाश किया क्योंकि रास में सर्वश्रेष्ठ नायिका कौन है श्रीमती राधिका, इसलिए राधिका के निकट कृष्ण सर्वोत्तम जो रूप प्रकाश आदि करते हैं। जहाँ पर नित्य गीत अनेकों जो है विशेष करके जहाँ पर आप लोग ने श्रवण किया से दो एक दिन पहले आप लोग ने श्रवण किया महाराज और किसी ने ब्रह्मचर्य वैष्णव ने बताया था ये रास में विशेष करके सौभाग्य मौत और मान हुई गोपियों के जो है कुछ गोपियों के क्या हो गया सौभाग्य मौत और श्रीमती राधे के क्या हुई मान। और फिर सौभाग्य मत के चूर्ण विचूर्ण करने के लिए और राधा जी को मान प्रसमान करने के लिए कृष्ण रास से अंतर्ध्यान। इसके बाद कृष्ण कैसे गोपियों के साथ प्रेम विहार आदि की ये समस्त वर्णन नारद ऋषि बड़े रसिक भक्त है। नारद ऋषि खड़ो कहते हैं नारद जी के पास झगड़ा कराते हैं, भाई नहीं नारद ऋषि झगड़ा फगड़ा नहीं मिल जाते नहीं, नारद ऋषि क्या करते हैं प्रेम की उत्कर्षता बढ़ाते हैं। प्रेम उसी का जो प्रेम कंदल, कंदल माने प्रेम की जो है कंदल जहाँ पर पूर्णावत्त होता रहता है उसी प्रकार नारद ऋषि इतने सुंदर रूप में रास की कथा वर्णन किया। देखो लक्ष्मी देवी के हृदय में क्या हुआ लोभ उत्पन्न हुआ, लोभ तो हो गया
किंतु लोभ होने से थोड़ी मिल जाएगा। जिलेबी खाने में आपको लोभ हो गया, आज तो जिलेबी बना ही दिया, किंतु जिसके पेट में दर्द है, पेट के ठीक नहीं है, और जिसके शुगर है, शुगर 350 जिसको हो गया, अरे वो ऐसे जिलेबी खाएंगे मिठास है, वो आते आते इसी रास्ते में आते ही वो लोग है, इसलिए उसको लोभ तो है सबके पास, लोभ से भी नहीं काम में नहीं चलेगा, किंतु उसके लिए भी कार्य करना चाहिए। देखो लक्ष्मी देवी के तो लोभ हुई, इसलिए कर्ण बोले कैसे राज में प्रवेश करे, बोले देखो सहज उपाय है, देखो भगवान के सर्वोत्तम जो है स्थान जो है वृंदावन, और उस वृंदावन में जाकर के तुम कठोर तपस्या करो। इसी प्रकार नारद ऋषि लक्ष्मी देवी को जो है सुंदर ये दिया, क्या बोले, उपदेश दिया, सलाह दिया। देखो लक्ष्मी देवी वैकुंठ के त्याग दे करके, सर्व ऐश्वर्य के त्याग दे करके लक्ष्मी देवी यह बेलवन में आकर के कठोर तपस्या करने लगी। देखो जमुना के तट पर और देखो बेल पेड़ के नीचे बैठे और कैसे हाथ जोड़ करके कठोर तपस्या आदि करी, हजारों साल तक, एक दिन नहीं हजारों साल तक कठोर तपस्या आदि करने लगे, और उनकी कठोर तपस्या आदि देख करके कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण कहने लगे लक्ष्मी वरं बुरी वर मांगो। लक्ष्मी देवी कहने लगी प्रभु यदि मुझे वर देना चाहते हैं आपके गोपियों के भांति मुझे भी रास में प्रवेश अधिकार प्रदान करें। कृष्ण कहने लगे हे लक्ष्मी ये तुम्हारे लिए अतीब दुर्लभ है, ये संभव नहीं है। बोले क्यों, देखो रास में प्रवेश करने के लिए कई शर्त है, ऐसे तैसे व्यक्ति रास में प्रवेश नहीं कर ले। एक तो देखो संत दास्य सख वात्सल्य, संत दास सख वात्सल्य रसिक जो साधक जो है उनके लिए भी प्रवेश अधिकार नहीं, केवल एक सखी बने तथा अधिकार सखी लीला करते करे तथा सखी लीला सदय, एकमात्र सखियों की अधि प्रवेश अधिकार है। तात्पर्य क्या है, माधुर्य रस के जो सेवक सेविका साधक साधिका जो है वो प्रवेश अधिकार प्राप्त करता है, इसलिए भी नहीं है। देखो आगे जाकर के कहने लगे कृष्ण कहने लगे हे लक्ष्मी देवी तुम तो वैकुंठ में रहते हो, वैकुंठ में कहा जाता है कौन सा रस है, संत प्रधान दास्य रस है। देखो संत प्रधान होता है, संत में केवल निष्ठा होता है, दास्य में सेवा वृत्ति है, किंतु वैकुंठ में केवल निष्ठा मात्र रहता है, इसलिए तुम्हारे निष्ठा तत्व है किंतु अभी तक दास्य में प्रवेश नहीं किया, इसलिए तो कहां और ब्रज भूमि ऐसे सुंदर दिव्य अलौकिक है, जतकिंचित निगुणवा कीकट मुकाम रस्ते संस्थित सर्वानंद मुकुंद द्वैतम लीलानुकुलम परम शास्त्रीय वस्तुतम निष्कंतन जांच ब्रह्मादि विशस्तेन मदीयं तया वंदते। और रघुनाथ दास गोस्वामी श्लोक में वर्णन करते हैं ये ब्रज कोई साधारण भूमि नहीं है, ब्रज ऐसे मधुरमा भूमि है, मधुर मधुर रस ही है, केवल एक ही रस ही ब्रज में है, मधुर रस है, किंतु यदि कहो तो और रस कहां गए, बोले सभी रस कैसे वो मधुर रस में ही समाहित है। जिस प्रकार समस्त नदियां अनेकों देश आदि के प्रभावित करते हुए समुद्र में जाकर ये जगह जथानक्त, जिस प्रकार नदी समूह समुद्र में जाकर के मिलित हो जाते हैं उसी प्रकार समस्त रस कहां पर न माधुर्य रस में ही सम्मिलित है। आशा जी एवं उस माधुर्य रस में सभी प्रकार के रस आकर के तब हमारे प्राणकंत गोविंद के सेवा आदि करते हैं, इसलिए संशय दूर हो जाना चाहिए। इससे पर लक्ष्मी देवी कहने लगे देखो केवल यही नहीं है, तुम तो संत प्रधान दस्य रस के हो, किंतु ये ब्रज में माधुर्य रस है, और उस माधुर्य में भी सखिया को छोड़ करके पारकिया प्रधान कहा गया, पारकिया बिना रस नहीं हो सकता है, और इस रस में मानी रास में प्रवेश अधिकार नहीं प्राप्त होता, इसलिए देखो ब्रज में जन्म लेना पड़ेगा, जब तक ब्रज में जन्म नहीं ले तब तक नहीं है, केवल ब्रज में जन्म नहीं लेने से नहीं होगा, ब्रज गोपियों की गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा, अर्थात गोपी देह प्राप्त करना पड़ेगा, पुरुष शरीर में नहीं होगा, आसमज में नहीं, सब एक अलग हो जाओ दाएं बाएं होकर के, एकमात्र स्त्री शरीर चाहिए, अर्थात देखो ब्रज में गोपी शरीर प्राप्त करना पड़ेगा, गोपी गर्भ में जन्म, और इसके बाद क्या है, देखो गोप के साथ तुम्हारे विवाह होकर जाए,
इधर भोग के साथ विवाह नारायण के छोड़ करके एक पति प्रता नारी मई है और मैं फिर दूसरी गोप के कैसे बोले ऐसी ब्रज के नियम इसे क्या करना पड़ेगा दूसरे गोपों के साथ तुम्हारे विवाह उसमें भी नहीं है देखो ब्रज में तुम्हारे अंडा देना पड़ेगा ब्रज की जो है भाषा भी सीखना पड़ेगा ब्रज की गाली भी सीखना पड़ेगा हाँ जब तो ब्रज के गाली नहीं सीखे कैसे ब्रजवासी कैसे मनाया जाएगा कैसे थोड़ा नहीं सिखाते साले बोलते रहते ना कैसे कैसे शब्द देखो ऐसे बोलना पड़ता है तो उसी प्रकार और दूसरी है क्या परक अभाव मैंने छुप करके मेरे साथ मिलन लक्ष्मी देवी ये सब नियम के पालन नहीं करना चाहिए ये तो संभव नहीं है तब कृष्ण बोले जी संभव नहीं है ब्रज में ये राज में प्रवेश करना संभव नहीं है देखो चैतन्य महाप्रभु उसी कथा को जो है वेंकट भट्ट त्रिमल भट्ट और प्रबोधानंद सोजी के निकट यही कथा सुनाया लक्ष्मी ब्रज में प्रवेश अधिकार प्राप्त नहीं किया किंतु देखो श्रुतियां गोपाल तपने उपनिषद आदि साक्षात मूर्तिमान धारण करके तपस्या आदि की उनके प्रवेश अधिकार मिला क्यों गोपी अनुगत ये विशेष है देखो ब्रज में गोपियों की राज में प्रवेश करने के लिए एक विशेष क्या है गोपी अनुगत बिना भजी लो ब्रजेंद्र नंदन ये समस्त विचार रखना पड़ता है ये समस्त गौड़ीय सिद्धांत है इसलिए कहते तब उस समय लक्ष्मी देवी का मेरा द्वारा संभव नहीं है अंत में भगवान ने किया कि लक्ष्मी के ऐसे कठोर तपस्या देख करके लक्ष्मी के किया कि न अपने छाती पर बाम छाती पर स्वर्ण रेखा के भांति ग्रहण कर लिया इतना ही तक किंतु राष्ट्र में प्रवेश अधिकार ये जो है लक्ष्मी देवी के विशेष स्थान है इसलिए हम लोग यदि कहे हम लोग लक्ष्मी के स्थान पर क्यों आए जिसको नहीं मिला उसके स्थान पर हम लोग वो कैसे हमें दे देंगे ये बात सुन आपके पास 50 लाख का नोट हो तो मैं 50 रुपया आप यदि मांगे आप दे सकते हो आपके पास बिल्कुल खाली जेब है जैसे मेरा जेब बिल्कुल खाली है तो देखो तो हमें कोई मांगे जे महाराज मुझे 50 रुपया तो लक्ष्मी देवी यहाँ पर हाथ जोड़ कर स्वयं लक्ष्मी देवी हाथ जोड़ कर एक भिखारी के पास दूसरे भिखारी के भीख मांगे क्या वो दे देंगे आप लोग बताइए वो भी भिखारी हम भी भिखारी एक नाव में हम सब बैठे हुए नाव हम लोग लक्ष्मी देवी के पास क्यों है हमारे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जब आ रहे थे इसी प्रश्न को जो है पूज्यपाद जनार्दन महाराज के निकट और श्रीला महाराज के निकट प्रश्न करते थे हमारे श्रीला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज बड़े वैदांतिक थे प्रश्न जो करते थे उनके प्रश्न की विशेष तात्पर्य था हम लोग तो प्रश्न करना नहीं जानते लक्ष्मी देवी हाथ जोड़ गए उसमें हमने त्रिविक्रम महाराज जी ये प्रश्न किया ये आप लोग बताइए लक्ष्मी देवी के जब तक प्राप्ति नहीं हमें कैसे प्राप्ति हुई उसके उत्तर में गुरुदेव सुंदर एक कथा सुने देखो गोपी गीत में क्या है गोपी गीत में क्या है बिखाना सार्थी तो विश्व गुप्त सखे उदियावान सत्तांकुलकुले नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम रंतरात्म दी बिखाना सार्थी तो विश्व गुप्त सखे उदियावान सत्तांकुले बिखन माने ब्रह्मा जी देखो ब्रह्मा जी के प्रार्थना से स्वयं कृष्ण ही मानो ब्रज में प्रकट हुई गोपियां यही पर बिखन सार्थी तो विश्व गुप्त ही तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी तो दशरथ के है मैंने पहले ही कहा दिया ब्रह्मा जी के कहा जाता है क्या आधिकारिक दशरथ कहा जाता है ब्रह्मा जी के जो प्राप्त देखो और द्रोण और धरा की कथा आप लोग ने श्रवण किया ब्रह्मा जी उपासना की और ब्रह्मा जी द्रोण धरा को क्या दे दिया वत्सल भाव दे दिया आप लोग जानते हैं द्रोण धरा की कथा आप लोग जानते हैं देखो ब्रह्मा जी के जो प्रार्थना कर रहे हमें क्या भगवान के कृष्ण के भगवान के प्रति हमारे वत्सल रास हृदय में उदित हो और ब्रह्मा जी का एवं वस्तु ऐसे हो तो ब्रह्मा जी तो दस रस के है उनकी हृदय में वात्सल्य रस कहां से आ जाए दे दिया कैसे गए वो भी कैसे क्योंकि ब्रह्मा जी कहते हैं टीकाकार कहते हैं ब्रह्मा जी श्रेष्ठ भक्त है भगवान के भक्त है
भगवान के भक्त के मुखारविंद से, शुद्ध भक्त के मुखारविंद से जो शब्द निकल जाता है वो वेदवाणी हो जाता है, वो सत्य हो जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने जब दे दिया तुम्हारे हृदय में वत्सल रस उत्पन्न हो, यद्यपि वो दशरथ के, और उसी के जो है पूरा करने के लिए भगवान कृष्ण देव देखो प्रकट हुए है, देवो की और क्या बोले नंद जसदा के अंदर में ये द्रोण और धरा प्रवेश किया और प्रवेश करके वत्सल रस के जो है आस्वादन किया। किंतु कृष्ण के नित्य माता पिता नंद जसोदा, किंतु जब प्रकट लीला होती है उस प्रकट लीला में द्रोण और धरा नंद जसोदा के अंदर में प्रवेश करके वो वत्सल रस आदि आस्वादन करते हैं, कराते हैं, और फिर लीला प्रकट समाप्त होने के बाद वो कृष्ण के क्या बोले वहीं पर पड़ोसी के रूप में वहीं पर रहते हैं। ठीक उसी प्रकार लक्ष्मी देवी के जद्यपि प्राप्ति नहीं हुई है, किंतु लक्ष्मी देवी केवल वचन दे दे, आशीर्वाद कर दे और आप लोग के हृदय में सिंगारस माधुर्य पार किया, माधुर्य रस उत्पन्न हो तो जरूर हो जाएगा। ये लक्ष्मी देवी कहीं साधारण नहीं है, ये लक्ष्मी देवी साक्षात जो है राधा जी के प्रकाश विग्रह, राधा जी तीन स्वरूप में प्रकाशित है, वैकुंठ में लक्ष्मी के रूप में और द्वारका में महिषी के रूप में और ब्रज में गोपी के रूप में। इसलिए ये लक्ष्मी कोई साधारण नहीं है, इसलिए लक्ष्मी देवी के निकट हम प्रार्थना करते हैं, हे लक्ष्मी देवी हमारे हृदय में यह भाव को प्रकट करे जे राधा गोविंद के अपराकृत दिव्य रासला में प्रवेश अधिकार प्राप्त करें, गोपी गृह में जन्म और ये समस्त आगे कथा जैसे वो समस्त हम प्राप्त करें। वंशागृत कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो झूठ बोलेंगे तो बड़ों छड़ी दूंगा। हरे कृष्णा बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि जोर से बोला बोले श्रीमती राधा रानी की जय। ओम ज्ञान तिमिरम दस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। राधा करावचित पल्लव पल्लरी के राधा पदांक विलस मधुरा स्थली के राधांग जस मुखम खंगांग बली के राधा विहार विपिने रमतांग मनो में। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। जोर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्रीधाम ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जिस स्थान पर आए हैं इसका नाम बेल वन भी है और इसका नाम श्री वन भी है। बेल वन भी है श्री वन भी है क्योंकि मूलतः ब्रज मंडल का जो मूल जो अधिष्ठात्री देवता है कहते हैं श्रीमती राधा रानी है। इसलिए अभी आप लोगों ने सुना है लक्ष्मी तो अनंत है, लक्ष्मी एक नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी क्या कहते हैं चिंता मणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्षम लख्यावृत तु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमान गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। यहाँ पर कहते हैं लक्ष्मी शत सहस्र संभ्रम सेव्यमानम। ये ब्रजधाम में एक लक्ष्मी नहीं, कितने लक्ष्मियां यहाँ पर क्या कर झाड़ू लगाती हैं,
ब्रज मंडल में झाड़ू लगाती हैं ये ब्रज की, ये लक्ष्मियां, इसलिए अनंत लक्ष्मी है। लेकिन लक्ष्मी अनंत होने पर भी, लेकिन चैतन्य चरितामृत में ये अनंत लक्ष्मियों को तीन भाग में वहां पर विभक्त किया है, तीन लक्ष्मी विशेष करके बताया। पहला लक्ष्मी वैकुंठ में जितने हैं, जितने नारायण हैं उनका जो पत्नियां हैं, ये पहला नंबर लक्ष्मी है। दूसरे नंबर लक्ष्मी कौन है, द्वारका में कृष्ण का जितने महिषियां हैं ये सबके सभी लक्ष्मी है। जो तीसरी लक्ष्मी है ब्रज में, ये जो ब्रज गोपियां हैं जो आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी स्थाभिर एव निज रूप कला तया भी, इसलिए कहते ये सब के सब गोपियां ये एक एक लक्ष्मी है। लेकिन ये लक्ष्मियों में भी जो सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी कौन है, बोले सर्व गोपेशो सेवई का विष्णुर रत्यंत बल्लवा। ये लक्ष्मियां ये गोपियां भी, ये समस्त लक्ष्मी भी जिनकी चरण की सेवा करते हैं। इसलिए अभी हमारे श्री उत्तम प्रभु गा रहे थे ना, क्या गा रहे थे, बोले उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सबे आम नायवाणी। इसलिए जितने उमा रमा सत्या सची ये जितने सबके सब किसकी चरण की उपासना करते हैं, बोले श्रीमती राधा रानी की। बोले श्रीमती राधा रानी वृषभानुराज नंदिनी की जय। इसलिए मूलतः ये जो लक्ष्मी है मूल लक्ष्मी ये श्रीमती राधा रानी, लेकिन ये मूल लक्ष्मी की बन में ये जो लक्ष्मी उनका जो अंश लक्ष्मी है यहाँ पर ये तपस्या कर रही है कृष्ण को चरण को प्राप्त करने के लिए, और भगवान कृष्ण की रास में ये प्रवेश करने के लिए ये प्रयास कर रही है। इसलिए आप लोग ने पहले श्रवण किया, जब श्रीमन महाप्रभु दक्षिण भारत में गए, जब वेंकट भक्त में घर में इस चातुर्मास में वहां पर रहे, वहां पर श्री उन्होंने बात बात में ही महाप्रभु ब्रज की महिमा को जगत में प्रचार करने के लिए ब्रज भक्ति को उन्होंने बात बात में बता दिए। बोले वेंकट भट्ट हमने सुना तुम्हारी क्या लक्ष्मी, हमारी कृष्ण तो ग्वाला, वो तो गैया को पीछे पीछे डोलते हैं, अरे हमने सुना तुम्हारी लक्ष्मी तो राज लक्ष्मी वैकुंठ में रहती है, लेकिन तुम्हारी लक्ष्मी हमारी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ये तपस्या क्यों कर रही है। बोले कहां आपको ये बात कहां से मिला है, बोले ये भागवत से मिला है। भागवत से, बोले मैंने भी भागवत पढ़ रखा है, मैंने भी भागवत पढ़ा, फिर आपको ये भागवत से कहां से मिला। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु भागवत से उन्होंने तीन चार जगह से श्लोकों को वो उद्धृत करके बताते हैं लक्ष्मी कैसे तपस्या करती है। इसलिए हमारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी करते हैं, कहते हैं जाहो भागवत बढ़ वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे चैतन्य भक्तर तुम्हें नित्य कर संग तबे तो बुझीबे तुम्हें सिद्धांत तरंग। ये भागवत को कौन नहीं पढ़ता है, बोलो, अप संप्रदाय का लोग भी पढ़ते हैं, वैष्णव संप्रदाय का लोग सबके सब ये भागवत पढ़ते हैं। लेकिन भागवत पढ़ने पर भी, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं अगर भागवत का जो रस में अगर प्रवेश करना चाहते हो ना, एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे, जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु को धारा में अभिषिक्त नहीं होंगे, महाप्रभु को धारा में ये भागवत नहीं पढ़ेंगे ना, ये भागवत का जो रस है उसको पता नहीं चल सकता है। इसलिए ये महाप्रभु की धारा में अभिषिक्त होकर पढ़ना पड़ेगा। देखो कैसे, जैसे भागवत का प्रथम श्लोक है भागवत का प्रथम श्लोक वैष्णव संप्रदाय में पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने पर भी, लेकिन बल्लभाचार्य को पूछो ये जो भागवत का जो पहला श्लोक किसको किसके लक्ष्य करते हैं, बोले सत्यम परम धीमहि, वो परम सत्य भगवान कृष्ण को ही लक्ष्य करता है। वो केवल कृष्ण क्यों, वो कृष्ण को भक्ति करते हैं ना, कहते जिस कहते आकाश का रंग तो नीला है, लेकिन जैसे चश्मा पहनो ना तुमको आकाश वैसे दिखने लग जाएगी। इसलिए कहते बल्लभाचार्य वो बात्सल्य रस की उपासना कृष्ण को भक्ति करने वाले, बोले सत्यम परम धीमहि कृष्ण है, क्योंकि जो मातृ गर्भ में आए सारे देवता लोग सत्य व्रतम सत्य परम त्रि सत्य सत्य सोनी निहितम च सत्य सत्य स सत्यमृत सत्य नेत्रे सत्यात्मक त्वाम शरणम प्रपद्ये। सारे देवता कृष्ण के गर्भस्थ में सत्य बोलते हैं कृष्ण को,
लेकिन जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये श्लोक को बोलते हैं वो किसको कहते हैं? बोले नहीं केवल कृष्ण के नहीं, बोले सत्यम परम धीमहि। यहाँ पर जो परम शब्द है पराम च परम च इति पराम देवी कृष्णमयी प्रकटा राधिका परा देवता। ये जो परा शब्द है श्रीमती राधा रानी के लिए ही ये श्लोक है। इसलिए जो जन्मादस्य जते हैं वो वल्लभाचार्य कहते कृष्ण से ही नहीं बल नहीं आदि रस की जो अधिष्ठात्री देवता ये श्रीमती राधा रानी कहते इनसे ही ये सारे रस प्रकट होते हैं। लेकिन यही श्लोक को जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ये श्लोक को व्याख्या करते हैं सत्यम परम धीमहि बोलकर किसको लक्ष्य करते हैं बोलो? अरे बोलो है बोले श्री चैतन्य महाप्रभु है। यही श्लोक जब वो प्रभुपाद कहते हैं ना यहाँ पर कहते हैं तेने ब्रह्म हृदा जो आदि कवये मुह्यंति जत सुरयो है। कहते जैसे ब्रह्मा जी को हृदय में ये सारे तत्व ज्ञान को स्मरण किया कहते आदि कवि कौन है ये कहते आदि कवि ब्रह्मा नहीं ये आदि कवि कौन है बोले श्री रूप गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री राय रामानंद जिनके हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु जो राय रामानंद संवाद है जो रूप शिक्षा है सनातन शिक्षा है जो इन ये सब बात को किसके हृदय में आदि कवि श्री राय रामानंद का हृदय में वहां पर जो राय रामानंद संवाद है जहां पर उन्होंने शांत दास सख्य बात्सल मधुर लेकिन मधुर रस में भी ब्रज गोपियां लेकिन ब्रज गोपियों में भी ये गोपियां भी जिनकी चरण की आराधना करती है वो कौन है ये श्रीमती राधा रानी जहां पर राधा रानी को सर्वतम रूप में। इसलिए श्री यहाँ पर वेंकट भट्ट बोले कहा महाप्रभु ने तीन चार स्थान से उन्होंने श्लोक को उद्धृत किया है। पहला नंबर उद्धृत किया है कहते जब उद्धव जी ब्रज में आए जब उन्होंने ब्रजवासियों का प्रेम को देखा विशेष करके ब्रज गोपियों की जब विशेष करके श्री उद्धव क्यारी में गए कैसे श्रीमती राधा रानी को कमल की सज्जा के ऊपर लेटा करके रखे शरीर में अगुर चंदन कर्पूर को कैसे लेप किया लेकिन राधा रानी के शरीर में जो प्रेम की जो दिव्य उन्माद प्रकट हो रहा था एक सेकंड में सब चुरचुर हो रहा था। कृष्ण कैसे एक भौरा बन करके आए और किशोर जी के चरण में बैठना चाहते हैं जब वहां पर राधा रानी जो टेढ़ी मेढ़ी बात को कर रही थी है टेढ़ी मेढ़ी जो बात को कर रही थी जिसको सुन करके उद्धव जैसे व्यक्ति वहां पर एकदम आश्चर्यचकित हो गए। इसलिए कहते नायम श्रीअंगम नित्यांत रते है प्रसाद सौर जसिताम ललिन गंधा रुचिम कतन्या। इसलिए उद्धव जी कहते हैं जो वस्तु को श्री श्री मतलब ये लक्ष्मी जिस सौभाग्य को ये लक्ष्मी भी प्राप्त नहीं कर पाई जिस सौभाग्य को स्वर्ग में जिनकी शरीर से कमल फूल की खुशबू आता है जो सौभाग्य उनको भी प्राप्त नहीं हुआ वो सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ है ये ब्रज गोपियों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ ये श्रीमती राधा रानी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां से उन्होंने श्लोक पर उसमें दूसरी श्लोक भी वहां पर भी और एक जगह पर श्री का शब्द आता है ये लक्ष्मी जी सौभाग्य को प्राप्त नहीं कर पाए। फिर नाग पत्नियां जिस समय नाग पत्नियों ने उन्होंने स्तुति की कृष्ण की बोले हमारे पति ने इसे कौन सा सौभाग्य प्राप्त किया बोले विहाय कामान सुचिरत धृत व्रता जो कि वैकुंठ सुख को छोड़ करके जहां पर अभी भी इसलिए से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं आज मैं पूछूंगा क्या कथा सुना इसलिए जहां पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अभी महाराज सुना रहे थे ना लक्ष्मी जब उन्होंने रासलीला की कथा सुनी नारद जी से उनके हृदय में भी है धप्त भी लग गई इनका हृदय में उनको हृदय में भी रास में प्रवेश करने के लिए इनके हृदय में भी खिलबिल मच गई मैं भी ये रास लीला में मैं भी प्रवेश करना चाहता हूँ क्यों भुजदंड गृहीत कंठा। इसलिए श्री उद्धव जी कहते कृष्ण का हाथ कितने सुंदर कृष्ण का हाथ है भुजदंड जैसे लेकिन उन्हीं हाथों से जैसे एक बच्चा माँ की अगर किसी बच्चे को किसी माँ से कोई चीज चाहिए ना बच्चा क्या करता है माँ की गला में गलवे नहीं आते बोले मैया मेरे को दे दे मैया मेरे को दे दे। इसलिए कृष्ण है कृष्ण किसकी बोले ब्रज गोपियों की गले में बहलिया लगा करके हाथ बहनिया लगा कर बोले गोपिया ये रास को परित्याग मत करो नहीं तो रास का जो रस है ये रास का रस खत्म हो जाएगा मत जाया करो।
इसलिए ये सौभाग्य किसको प्राप्त है, कहते ये सौभाग्य ब्रज गोपियों के केवल प्राप्त है। इसलिए कहते अभी भी ये लक्ष्मी को अभी प्राप्त नहीं हो पाया लक्ष्मी को, बोले क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि इन्होंने अपना जो लक्ष्मी का जो भाव है इसको उन्होंने परित्याग नहीं कर पाया। लेकिन श्रुतियों को मिला क्यों, उन्होंने सारे अभिमान छोड़ करके ब्रज गोपियों की उन्होंने अनुगत्य की, ब्रज में गोपी रूप में प्राप्त ग्रहण की, कंडा थपथपाई दही मंथन की, और किसी पर दूसरे गोपी गोप से शादी उन्होंने किया, और सारे अभिमान को उन्होंने परित्याग किया तो उनको मिल गया। लेकिन अभी भी विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं लक्ष्मी अभी भी बैठ करके यहाँ पर कठोर तपस्या कर रहे हैं, अभी भी तपस्या कर रहे हैं। इसलिए वहां पर जब महाप्रभु ने पूछा बताओ किस लिए, बोले मेरे को पता ही नहीं ये लक्ष्मी क्यों बैठ रहे तपस्या करने के लिए। तो महाप्रभु ने बोले देखो कृष्ण के अंदर में विशेष करके चार गुण हैं, जो ये चार गुण किसी अवतार में भी नहीं, नारायण में भी नहीं, किसी देवता में भी नहीं, किसी को अंदर में नहीं, केवल ये कृष्ण के अंदर में ये चार माधुर्य है। बोले ये चार माधुर्य क्या है, बोले सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्वल वारिधि अतुल माधुर्य प्रेम मंडित प्रिय मंडलम त्रिजगत मानसाकर्षी मुरली कलकोजित त्रिजगत मानसाकर्षी मुरली अश्व मनार्ध रूपश्री विस्मापीतम चराचरम। बोले भगवान क्या क्या रूप भगवान की, पहला माधुर्य को रूप माधुर्य, कृष्ण इतने सुंदर, कृष्ण इतने सुंदर हैं जो लक्ष्मी भी अपना वैकुंठ सुख को त्याग करके यहाँ पर बैठ करके तपस्या कर रही है। कहती है लक्ष्मी की बात छोड़ दो, ये नारायण स्वयं जब कृष्ण की माधुर्य को सुन श्रवण करते हैं, नारायण चोरी करना शुरू कर देते, कितना बड़ा गंदा काम है चोरी करना, नारायण द्वारका में ब्राह्मण का बच्चों को चोरी करना शुरू कर दिया। इतने में अर्जुन जो प्रतिज्ञा की नहीं रक्षा कर पाई, अग्नि में दाह करने जा रही थी, कृष्ण बोले चलो मेरे साथ में। जब उन्होंने श्री नारायण को पास में ले गए, नारायण ने कहा हे प्रभु केवल आपका ये रूप को दर्शन करने के लिए मेरी चोरी की, प्रभु ये बच्चों को ले जाओ। बोले कृष्ण इतने सुंदर जो चोरी करना शुरू कर दे, बोले नारायण की बात ही छोड़ दो। कहते कृष्ण रे माधुर्य सुनी वासुदेव रे कहो, एक ही कृष्ण जब वे वसुदेव नंदन रूप में मथुरा में रहते हैं, लेकिन वही कृष्ण जब श्री ब्रजेंद्र नंदन रूप में श्री वृंदावन में रहते हैं, जब श्री मथुरेश कृष्ण श्री वृंदावन कृष्ण का दर्शन करते हैं, उनके हृदय में भी खिलबिल बच जाती है। समझो ये ब्रज का कृष्ण कितने सुंदर कितने अलवली। इसलिए कहते भैया ब्रजेंद्र नंदन की बात छोड़ दो, ये ब्रजेंद्र नंदन खुद खुद का रूप जब दर्शन करते हैं अपना मणि स्तंभ में, जब कृष्ण अपना परछाइयों को देखते हैं, कृष्ण क्या कहते हैं, बोले अपर कलित पूर्वम कश्च मत कारकारी। कृष्ण स्वयं मुग्ध हो जाते हैं, कहते ये कौन है इतने सुंदर बालक हैं, इतने सुंदर बालक कौन है। कहते रात कामय राधिके, वो ये कृष्ण रूप को संपूर्ण रूप में कौन आस्वादन करती है, बोले श्रीमती राधा रानी। इसलिए वो चाहते मैं कब श्री राधा रानी बन जाऊं, राधा रानी बन करके राधा रानी ये कृष्ण को आलिंगन करके क्या आनंद प्राप्त करती है, मैं स्वयं राधा रानी बनना चाहता हूँ। इसलिए कलयुग में श्री सचिनंदन गौर हरि बन करके श्रीमन महाप्रभु रूप में आ करके स्वयं कृष्ण का नाम लेकर के हा कृष्ण कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं, ब्रजेंद्र नंदन ब्रजन नंदन बिना फाटे मुरुपु कहा रे कही वो कथा के जे जाने मोर दुख। कृष्ण स्वयं पागल हो जाते हैं, इतने कृष्ण रूप है। इसलिए बोले त्रिजगत मानस आकर्ष मुरली कलकुजित, जो दूसरा जो माधुर्य है उनकी बंसी ध्वनि। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं रुंधन भूप्रीत चमत्कार चमत्कृत परम मुस्तुम्बुरु, जिनकी बंसी ध्वनि सुन करके ब्रह्मा स्वयं विचलित हो जाते हैं, आनंद देव का सर डगमगाने लगती है, चतुष्ण की ध्यान टूट जाती है, और संपूर्ण भागवत में वेणुगीत की जो महिमा गाए क्या अद्भुत रूप में, जिसके लिए राधा रानी स्वयं कहती हैं अगली जीवन में वो राधा नहीं बनूंगी बनूंगी तो श्री बंसुरी बन करके आऊंगी, कृष्ण फिर हमारे साथ में रखेंगे। और जो दूसरा माधुर्य उनकी प्रेम माधुर्य है, प्रेम माधुर्य के लिए रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं, जब कृष्ण गोपियों के साथ में रास रचाते हैं, कितना दिन रास रचाए, ब्रह्मा का एक दिन एक रास, मतलब कितना दिन कितना, बोले 1000 चतुर्युग। लेकिन गोपियों को कैसे लगा, अभी आए और अभी अभी खत्म हो गया,
अभी अभी खत्म हो गया। दूसरा उदाहरण देते हैं, कृष्ण जब गोचारण करते हुए ब्रज में वापस आते हैं, जब मीठी मीठी प्यारी प्यारी कृष्ण बंसुरी बजाते हैं, बंसी ध्वनि सुन करके सब ब्रज गोपियां घर की बाहर निकल करके आ जाती हैं, आ करके जब कृष्ण को दर्शन करती हैं, भले त्रुटि जोगायते त्वां मपश्यतां कोटिल कुन्तलां श्रीमुखं चते जड़ा उदीक्षताम पाक्ष्मकी दृशाम। इसलिए गोपियां क्या कहती हैं, जब कृष्ण को घुंघट उठाकर दर्शन करती हैं, कृष्ण का मुख कैसे से कमल है, उनकी जो घुंघराली कैसे कैसे हैं, जैसे कमल के ऊपर भौंरा मंडरा रहे हैं। कहते उनको मुंह में जैसे हम क्रीम लगाते ना, पाउडर लगाते हैं, गैया का खूर से जो धूल उड़ा माना उनको मुंह में जैसे कोई क्रीम पाउडर लगा करके रखे। जब गोपियां दर्शन करती हैं, उनका आंख जब पलक झपती ना, पता नहीं चलता कब पलक झपता है, लेकिन इतना समय को भी वो निंदा करते हैं, ब्रह्मा तो सृष्टि करना जानते नहीं है, एक तो दो आंख पर बीच बीच में पलक है, वही लोग रसिक है, इसके पलक को जो काट कर फेंक दे। फिर कृष्ण को अपलक नेत्र से कृष्ण को हम दर्शन कर सकते हैं, उनके प्रेम माधुर्य है। अर्जुन का जो तीसरा माधुर्य है, कौन सा माधुर्य बाकी रह गया, अरे बोलो, वेणु माधुर्य, प्रेम माधुर्य और उनकी लीला माधुर्य। लीला माधुर्य कौन है, कहते संति यद्यपि लीला तत्प्राज्ञा मनोहर नाही ताथे स्मृति रासिक मन में किदृश। कृष्ण स्वयं कहते हैं, कहते भगवान की जो रासलीला कृष्ण स्वयं कहते हैं, जब मैं कृष्ण की ये मैं अपना रासलीला की जो बात याद करता हूँ ना, कृष्ण खुद कहते हैं रासलीला में ऐसे किया जिसको लक्ष्मी स्वयं सुन करके, जिस रास में ये लक्ष्मी भी प्रवेश करने के लिए कठोर तपस्या की स्वयं लक्ष्मी, किस लिए बोले रासलीला, क्या रास में कृष्ण स्वयं कहते हैं, पता नहीं इसका बात सुनते ना मेरे मन में भी खिलविल हो जाता है, पता नहीं मेरा मन क्या हो जाता, मेरे को समझ नहीं आता ये रास में क्या, रास में क्या है, जहां पर श्री किशोरी जी की सर्वश्रेष्ठता जहां पर प्राप्त हुई, जहां पर कृष्ण स्वयं कहते हैं न पारे अहम निरबद्ध संजुजाम सुसाधु कृत विभुधाई साविव, कहते मैं ब्रह्मा जैसे परमायु लेकर के भी ये ब्रज गोपियों का ऋणी से कभी मैं ऋणी नहीं हो सकता हूं। इसलिए ये चार माधुर्य कृष्ण के अंदर में, इसलिए ये लक्ष्मी ये चार माधुर्य सुन करके उसने वैकुंठ का त्याग देकर यहाँ पर आए। अभी बनवार जी कह रहे थे फिर हम यहाँ पर क्यों आए, यहाँ तो लक्ष्मी तपस्या कर शिक्षा के विषय की आई, बोले शिक्षा के विषय ये है महाराज एक दृष्टिकोण से, और हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी मन शिक्षा में कहते हैं असत वार्ता वैश्यामती सर्वस्व हरिणी कथा मुक्ति व्याघ्र न किल सर्वात्म गिलिनी अपि त्यक्त्वा लक्ष्मीमती रति बेमनेनु। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है, हमारा संप्रदाय में प्रयोजन तत्व है, ये हमारी प्रयोजन आचार्य है, जो हमारी प्रयोजन की बात कहते हैं, है? ये प्रयोजन की बात के लिए तो सावधान, अगर तुम ब्रज प्रेम पाना चाहते हो ना, कुछ चीज को त्याग दो, बोले क्या है, बोले असत वार्ता, कृष्ण कथा छोड़कर दूसरे वार्ता को बंद करो, सुनने तो क्या सुने, वो उदाहरण देते हैं गुरु जी, उदाहरण देते हैं कृष्ण भक्ति रसभाविता मती क्रियता कुतपि यदि लभ्यते तत्र लौल्य मूल्य मेकलम कुटी सुकृतिरपि न लभ्यते। लाभ करना तो कैसे भक्तों की, जिनकी भक्ति, गुरुदेव उदाहरण देते जैसे रुई को पानी में डुबो दो ना, उसकी कण कण में जैसे पानी प्रवेश कर जाती है, रसगुल्ला की कण कण में जूस, ऐसे ही जिसकी कण कण में क्या बैठा हुआ, जिसके कण कण में पूरा कृष्ण भक्ति रस में जो सराबर हुआ, विशेषकर गुरुदेव कहते नहीं हम ऐसे भक्त नहीं चाहते। अभी उत्तम प्रभु भजन गा रहे थे ना, क्या एक अकेला माधव पूज्य है सो अज्ञानी राधा अनादर करे अभिमानी, इसलिए हमें कैसे भक्त चाहिए, बोले अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणो अनाश्रित वृंदावनम तटबीम असंभाष तद भाव गंभीर चिताम कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगाह। जो राधा रानी की प्रेम में जो संपूर्ण सराबर है, जो राधा रानी के चरण को जो आश्रय ग्रहण किया, हमें ऐसे भक्तों की संग हमें चाहिए, और क्या चाहिए, कहते अपि त्यक्त्वा लक्ष्मी प्रतिरति मित व्यवनायिनी, कहते लक्ष्मी का प्रति आसक्ति छोड़ दो, नहीं तो खींच करके तुम ले जाएगा कहाँ, तुमको ले जाएगा वैकुंठ में, फिर वो ब्रज में जाने नहीं देगा, हैं ब्रज में जाने नहीं देगा। इसलिए यहाँ पर श्री
श्री रूप गोस्वामी के हम श्री विश्वनाथ चक्र राग व्रत में चंद्रिका में बहुत अच्छी बात बताते हैं, कद भाव सावल्य भाव विरुद्ध भाव अविरुद्ध। हाँ कहते भैया जितने भाव के जो विरुद्ध चीज छोड़ करके हम जिस चीज पाने के लिए हम चाहते हैं ऐसे स्वजातीय आश्रय सिद्ध साधु संग सतवरित, अपना सजातीय भक्तों का संग हमें करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए छोड़ करके मुक्ति की कथा छोड़ करके केवल जो ब्रजभाव से श्री महाप्रभु का अनुगत्य में जो भक्त लोग भजन करते हैं हमें उनके अनुगत्य में चलनी चाहिए, तभी जाकर के हमें ये ब्रजभाव की प्राप्ति होगा। इसलिए हम यहाँ पर आए लक्ष्मी को देखना सब जगह में हाथ ऐसे करके जोड़े, लेकिन यहाँ पर कैसे बैठे दिखाओ हाथ जोड़ करके, मतलब लक्ष्मी भी जिसे हमारे कन्हैया को पाने के लिए भी तरसती है। इसलिए हमारा लक्ष्य क्या है, ब्रजभाव को महाप्रभु का अनुगत्य में महाप्रभु का परिकर का अनुगत्य में हमें वो वस्तु प्राप्त करना चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्रीमती राधा रानी की, पंचा कल्प दुर्भ्य कृपा सिंधु भय वच पतितानंग पावने भो वैष्णव भो नमो नमो। हाँ हरे कृष्णा, हम लोग नाव में पार होते हुए आए हैं, इसलिए हम सभी को 10-10 रुपया देना पड़ेगा, सभी को देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई गृहस्थ भक्त नहीं, जो कि ज्यादा गृहस्थ होता था साधु संन्यासी को पैसा नहीं लेता था, अभी हम तो साधु ही साधु हैं। इसलिए जिसको पास में दे देना, जो नहीं दे पाएगा मैं उनके लिए दे दूंगा, इसलिए जो समर्थवान है सब 10-10 रुपया मेरे को वहीं पर देख जाना, ठीक है। हरे कृष्ण, आप लोगों ने श्री वन महाराज एवं श्री श्रीधर महाराज जी से हरी कथा श्रवण किया, इसमें लक्ष्मी देवी को कृष्ण की कृपा न मिलने का कारण क्या है? लक्ष्मी चाहती है रास में प्रवेश करूं, प्रवेश क्यों नहीं मिला? बताया गोपी अनुगत बिना करिले भजने, भजिले ओ नहीं पाए श्री नंद नंदने। गोपियों के अनुगत्य के अलावा भजन करने पर भी कृष्ण नहीं मिलते। कौन कृष्ण? जो राधा कांत कृष्ण, और तो मिल जाएंगे, राधा कांत कृष्ण नहीं मिलेंगे। इसलिए राधा कांत कृष्ण को पाना चाहते हैं, यानी मधुर रस में कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, तो ब्रज गोपियों का अनुगत्य स्वीकार करना पड़ेगा, जो लक्ष्मी को मंजूर नहीं था। लक्ष्मी सोचा मेरे पास इतने नौकर नौकरानी है, ये गांव की गमारीन है, कांडा थप्पी है, शरीर तो गोबर गोमूत्र से भरा हुआ, इसके मैं अनुगत करूं? मेरे शरीर से किस तरह सुंदर पद्म के सुगंध निकल रहा है, इस गांव के गमारीन का अनुगत नहीं, नहीं ये नहीं कर पाऊंगा। फिर दूसरे और जो उनको कंडीशन था कृष्ण के तरफ से, दूसरे गोपों से मिलना पड़ेगा और छिप छिप करके मिलना पड़ेगा कृष्ण से, अभी मंजूर नहीं है। और कृष्ण के शादी करने के तैयार थी क्यों? सिद्धांतस्त भेदयोपि श्री स कृष्ण स्वरूपयो रसनोत्कृष्टते कृष्ण रूपमेश रस स्थिति। सिद्धांत कृष्ण एवं नारायण यानी समस्त विष्णु तत्व एक होने पर भी कृष्ण का विशेष वैशिष्ट्य है। लक्ष्मी कृष्ण शादी करना चलेगा नहीं, दूसरे गोप से शादी करो और हमसे छिप छिप करके मिलो, खुल्लम खुल्लम प्रेम करेंगे हम दोनों, ये चलेगा नहीं। तो ये लक्ष्मी यही चाह रहे थे, ले हुआ नहीं। इसलिए ब्रज गोपियों का अनुगत स्वीकार करना और क्या है, ब्रज गोपी भाव लाना है, तभी संभव है। लक्ष्मी आज तक ये अनुमोदन नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, इसलिए अब तक तपस्या कर रही है। हम लोग क्या करना चाहिए, हमारे गुरु वैष्णव जो रास्ता दिखा रहे हैं उस रास्ता में चलने पर हमारा कल्याण होगा, क्योंकि बताया महाजन जिनो गत स पंथा, हमारे गुरुवर्ग सब महाजन है, उनके दिखाए पथ पर चलने पर हमें निश्चित रूप में ब्रज में कृष्ण प्राप्त कर हम करेंगे। गुरुदेव कहते थे जिनके आत्मा में ये कृष्ण को ब्रज गोपी के भाव से पाने का बीज है, वही केवल महाप्रभु लाइन में आकर्षित होते हैं। इसलिए आप लोग कम सौभाग्यवान सौभाग्यवती नहीं है, आप लोग को आत्मा में ये लटन पोजिशन में अभी है, भजन करते करते इसका उनमेष होगा, एक दिन प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब चले महाराज जी को 10-10 रुपये प्रणामी करते जाइए और पैर धूला भी लेते जाइए, बहुत धूल है, जो दे सकते अच्छा है, कोई चिंता नहीं है।
मृदंग कर उठा गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल मृदंग करताल माइक हाँ गेट पे गुरुदेव गेट पे ले लियो निकलते रहो देखते रहो सब शिक्षा मिलेगी ना सबको बस गेट पे निकलते रहेंगे देखते रहेंगे कोई भूलने का भी नहीं बस यही गेट पे इधर ही खड़े हो गुरु जी इधर ही बाड़ी में क्या कर रहे जब निकलना जब देना जब निकलते रहोगे अच्छा और पता चल जाएगा ना किसने नहीं दिए किसने दिए हाँ बस अब यहाँ पता चलेगा देखते रहो निकलते रहो अच्छा चलो मन को देख लो आपको निकल रहा देखते रहो निकलते रहो ये नाव के लिए इधर आ जाओ बच्चों इधर आ जाओ आप तुम बंद कर दो जरूर नहीं उधर 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 नहीं नाइस थैंक यू देते रहो निकलते रहो ए दो ठीक देते रहो निकलते रहो आपने दे दिया किसको दिया भाई आपको मेरे को दिया ना और ठीक है ठीक पैसा को ये करके अरे बोल लगा बोल लगा डाल रहे हैं ले रहे हैं नहीं कलेक्शन कर रहे हैं अरे बोल मनी दे दो नहीं मनी 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 इसमें नहीं दे देंगे इसको मैं उधर देखे ना आपके आप की तरफ नहीं स्टाफ है वो स्टाफ था अरे ये महाराज जी इसने ले लिया मेरे से वैद्य पैसा महाराज जी दिन महाराज जी दिन 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 ये स्टाफ है स्टाफ का कोई चार्ज नहीं स्टाफ का कोई चार्ज नहीं स्टाफ कोई चार्ज नहीं स्टाफ है स्टाफ ये स्टाफ स्टाफ को निकाल दे रहा हूँ अरे दोबारा था अभी सुंदर कमल बहुत दे रहे हैं स्टाफ स्टाफ उठाना नहीं तो जा रहे हैं बस हाँ एक बार देना है उठाना नहीं स्टाफ 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 से डबल डबल लेना है ब्रह्मचारी जा रहे हैं स्टाफ चल रहा है स्टाफ अमाउंट 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 देते जाओ कोई बात नहीं तुम नहीं दोगे जब लेना तुम्हें एलआर नहीं हमारा ये कंफर्मेशन होता है ना बच्चे का ऑर्डर लीव होगा सभी मेरा स्टाफ हमारे भक्ति बल्लभ किसका बताए मारा है अब हो जाएगा इतने में ना हो जाएगा मुझे 10 रुपए दे मेरे को मार देना नहीं बोलो अब अगर मैं रह गया इसको ये कर दो अंदर नहीं कर दो नहीं इनको लगा लो प्रभु जी लगा लो इनको ऐसे नहीं इकट्ठे करने हाँ ऐसे लगाओ जैसे प्रभु जी लगा रहे खोल के वैसे तो लगा रहा हूँ मुट्ठा सा भर लिया फेस वन में घर है ना आप महाराज जी सब सन्यासी वैष्णव और 50-60 लोग काम सोच रहे कल दोपहर को परिक्रमा के बाद ठीक है
बोले आपसे बात कर रहे हो परिक्रमा की सीधा बात परिक्रमा आप त्रिवंशी बैठते हो दो फ्लोर हैं तो नीचे ऊपर हो जाएगा मतलब यह बात चल चल तो अगर आप बोलोगे तो मैं व्यवस्था कर देता हूँ प्रसाद जो है वो अच्छे विकास कौन सा बंदर पीछे महाराज जा रहे वहाँ बात करो ए जो सामने जाओ हम जहाँ से पार हुए थे ना वहीं से पार होना पड़ेगा नहीं तो फिर दूसरा बेच तो 100 लोग की व्यवस्था भी हो जाएगी अगर खाली इतना लोग इतना दूर से जाएंगे कैसे ये तो जी कहाँ घर वंशी भट पे तो गाड़ी आ जाएगी आप सबको लेने के वंशी भट तक जहाँ पर आखिरी परिक्रमा होगी तुम वहीं से ले जाना चाहते हो हाँ मैं सोच रहा था कि गोविंद जी के पास गाड़ी आ जाती है तो आप वंशी भट से तो गोविंद जी तक आ जाएंगे वंशी भट से गोविंद जी तक आ जाएंगे ना वापस सुबह तो गोविंद जी पे वो गाड़ियाँ होंगी जो किसी यात्री को लेकर बाकी जो भक्त जो हैं उनको 10 ऑटो करने महाराज इधर को जा रहे हम आए थे इधर से थे इधर गुरु हरिपाल अच्छा इधर भी रास्ता है ठीक है फिर ठीक है मतलब ये लोग तो आए थे इधर से थे जहाँ भी चलो रास्ता है महाराज जी कह रहे थे कि खाली 50 लोग करेंगे 50 लोग कैसे करेंगे किसको बुलाएं किसको ना बुलाएं तो पता नहीं मतलब आप सब यहीं पर ही हैं दोबारा तो ऐसे बता नहीं कि आप सब लोग एक साथ पहले चले आए उधर से था उधर से आए थे ना सही चल रहे हैं महाराज जी आए तो उधर से थे ये हमारे पुरी के प्रभु जी सूर्यकांत प्रभु जी इनके दर्शन कीजिए आजा मेरी कॉली भर लो चल चलो मंदिर चलो मंदिर को मंदिर रख लेंगे सुनो
आएगी जाके Yeah.
चौराहा आ गया। कैसी घाट, कैसी घाट गुरुदेव 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 इधर से मैं बोल रहा इधर ही होगा। हाँ पूछो वो वहाँ चले। मैंने बस लगा रखी है, सब घूमने बिठा दे रहा हूँ आप, बस लग रही है। सब याद हो गए पूरी भागवतम, वो पूरी कंठार कंठार तो पूरी हो गई होगी। भागवतम भी कम्प्लीट, उपाध्याय जी की गण की तरह पूरा देश बना के बैठे भागवतम महाभाव से
राजू के मंदिर को लगा दिया उसने, राजू को लगा दिया ले अच्छे से लोग समय केवल हमारे साथ रहिए। देखिए आ गए हम लोग जमुना पार करने वाले हैं। लोग इस समय महात्मा लोग आ रहे हैं, आप लोग अति जल्दी ही हमारे साथ आइए। केवल हमारे साथ में रहिए, देखते रहिए और आपने मोबाइल को बैठा दीजिए, चार्ज में लगा लीजिए और केवल आप लोग साथ सब्सक्राइब कर लीजिए और ये लाल बटन के दबा दीजिए। हरि बोल, सब्सक्राइब जो है हमारे इनके उत्साह देते हैं। आपका एक लाइक एक प्रणाम का एक जय धन्यवाद बराबर। দেখুন তবে তো হবে মারাতি জি কেন বলছে এরকম বলতে হবে অতি অল্প সময়ে আ চুকে হে মহারাজ লোক সব আ চুকে হে সাবি লোক আ চুকে হে বৈষ্ণব লোক আছে কার্তিক মাইনে মে বিশেষ তিথি হে আপ লোক আমার সাথ রহিয়ে হরি কথা শ্রবণ করিয়ে বৃন্দাবন বিহার হরি লাল কি জয় হ্যাঁ মহারাজ জি বারাত সে লেকর 18 নভেম্বর কে সব গৌরী মত মথুরা মে दोपहर को 3 बजे से 6 बजे तक क्या होगा भागवत का तो वही भागवत सब का फिर से और एक बार हुआ पुरुषोत्तम मास में तो फिर आने वाला है कार्तिक महीने में और ऊपर भागवत भागवत सप्ताह हाँ जरूर आ गए और कुछ दिन के इंतजाम है 3 बजे से चालू होगा 3 बजे से 6:30 तक कीर्तन भी है बढ़िया धोनीलाल को कीर्तन आकर्षण विशेष उत्सव मनाएंगे आप लोग अति शीघ्र ही आइए और साथ में लेकर आइए मास्क सैनिटाइजर हम आपको देंगे। मैं आपको रसगुल्ला मिलेगा रसगुल्ला नियम का पालन करते हुए हम लोग इस परिक्रमा को हम लोग सफल बना रहे हैं। आप लोग हमारे साथ में योगदान दीजिए। एक बोलने बाद दूसरे बोलते हैं जी आप देखते रहिए सब हमारे साथ बने रहिए। हाँ पैसा तो पड़वा नहीं है। 5 साल के बालक ध्रुव महाराज के भांति ये भी हमारे साथ में चल रहे हैं। इसके नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज माधव माधव है। वेरी नाइस बॉय स्वीट बॉय ही इज आल्सो इन परिक्रमा के साथ दूर प्रमाण जी और चलो में लटक है हमारा भी चलन करवा देखिए आप बोलो के बोलना मत ये बोलते रह जा ले सेंटेंस के सही ओ ये लेते ना स्टेपलिन लेना पड़ता है नहीं नहीं मैं इसलिए आता हूं ये दूसरे को बोलता है जिसने बोले कि सर इसके जो है कला कम से कम सांस ले रहे थे ना जी देख रहे हैं ये जी अपने आप लोग खाते में बहुत तेल लगता है और कमेंट्री सुना है जी सांस लेते तो तब से वो दूसरे बोलते हैं महाराज जी का कंठ वो तो महाराज जी वहां पे पुश आउट होता है वो जितने बार काटता है ना पुश आउट मार देता है नहीं पुश आउट की बात नहीं करूं वो दो व्यक्ति बोलता है दो व्यक्ति ये व्यक्ति जैसा हम बोला हमारी कथा समाप्त हो गया फिर आप दूसरी व्यक्ति जो है दूसरी कथा बोलते हैं अभी भगवत में लगाएंगे फिल्टर और भगवत में वो लगाएंगे जमन फिल्टर हमने से अब तो भगवत की कर रहे थे ना भगवत का पूरा सीरीज बनाया मैंने आपका भगवत का हर टॉपिक का सीरीज बनाया देखो ये सीधा रास्ता हम लोग आ गए आने के समय गुरुदत्त यही बोला था इसी रास्ते को आने के लिए पहले ये रास्ता हमें पहले ही पता था अरे वहाँ कहाँ झाड़ झूठ में घुसवा दिया इसके पूरा जन्म पता नहीं चला वहाँ कहाँ घुसवा झाड़ झूठ में वोटमैन क्या मैं Yeah.
कर रहा है। क्या बात है, सबसे जल्दी आ जाओ। ब्रज की धुनी आप लोग प्राप्त कर लीजिए। ब्रज रज, हाँ अगर ब्रज रज का रज रज कान कान में बता दो, एक बहुत ही अच्छा सी बात है जो हमारे पास सत्येंद्र प्रभु को देख रहे हैं। ये सत्येंद्र प्रभु बनाए हैं अभी रिसर्च करके, क्या इस ब्रज रज का खुशबू अगर परफ्यूम के तौर पर आप लेना चाहते हैं तो अभी हमारे साथ संपर्क कीजिए। घर में बड़े बड़े मिल जाएगा ब्रज रज और ब्रज रज का परफ्यूम। अरे परफ्यूम ब्रह्मा जी जिस रज के लिए तपस्या कर रहे हैं आप घर में बैठ करके उसका प्राप्त हो जाएगा। हरी बोल। घर में बैठ के लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे एक मैसेज भेज दीजिए। आप इधर आने के लिए वही वाला इधर उसे लगा लेना गलत रास्ते जाएंगे। ये लोग जाना ये था जानू गए लेफ्ट जाना लेफ्ट। हाँ अच्छा वो यहाँ के पड़ी क्रम हो गया। ऐसे जाके ऐसे आगे ब्रह्मा से भी तपस्या कर रहा हूँ मिलने ही उसके लगे चलना। गन्ने का खेत आ गया सामने, तोड़ लो पांच चार। बड़ा मुश्किल होता है इनको सही से तोड़ना। नहीं तोड़ लो ना, टूट तो जाएंगे पर तोड़ नहीं है। बस ये है कि इसके ये हाथ काट देता है अगर इसके पत्ते वाले छिल गए ना। ये भिंडी को कच्चा खा सकते हैं आप? हाँ कच्चा खा लीजिए। गन्ना जी गन्ना खाना किधर महाराज इधर ही रास्ते है ना। हाँ सब रुक गए। अरे वाह और जो वहाँ के खेत वाले थे वे क्या करते थे? अरे खेत वाले बहुत प्रसन्न हो जाते थे। हरि बोल। मुनि वाल के दे देते थे वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम यहाँ से पालक लेने आते हैं। अनुपम जाओ 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 पालक बहुत किंतु एक दिन जाओ। यहाँ पे हाँ मैया दो दो पालक दो और
वाले बाबा उधर है, मुझे लग रहा है गलत दूसरे रास्ते पे आ गए। फिर मैं उड़ा के लेके जाता, ये दूसरे रास्ते पे आ गया लग रहा है। सही रास्ता है यही है, ये एकदम सीधा सीधा एकदम सीधा। कांटे भी आए तो उससे चले तो ऐसे जल्दी चले जाते हैं, इसके धूप में पैर दब जाता है ना। महाराज जी लोग अरे कैमरामैन बॉडी फिटनेस रखना है तो देखिए प्रभु जी का बॉडी कैसे, देखो बढ़िया बढ़िया के बॉडी फिटनेस कैसे है। अरे वाह क्या बात है, ये कितना पुराना वृक्ष है, कम से कम होगा 200 साल पुराना। ये देखो इसी बड़ इसी वृक्ष के नीचे कृष्णा विश्राम करते थे। हरि बोल, इस स्थान पे आप प्रणाम करते हैं, चलिए सभी लोग इस स्थान को प्रणाम करते हैं, चलिए। महाराज जी थोड़े यहाँ बैठ के खड़ा बता दीजिए, हम लोग जहाँ पर ये चिंतामणि है, चिंतामणि भर चलते रहो, चिंतामणि चलते रहिए, चलते रहिए भाई, आइए चलिए चलिए आगे चलते, निकलिए निकलिए निकलिए, आप लोग लाइफ में है, जो लोग लाइफ में है दर्शन करते रहिए, ये इधर घुस गए पैर में। तार घुस जाएगा धर्मेंद्र का यहाँ पे एक चूल्हा है, यहाँ सब यहाँ पे रोटी वोटी बना के खा के कांटा है, यहाँ पे कांटा जाता है। अच्छा पड़ा निकल जाए, यहाँ पे रोटी बना था, धनराज जी कथा करते थे, हम यहाँ भक्की चढ़ा के। अरे वो महाराज जी ये वाला घर में बहुत अच्छा रोटी बनाता है, अच्छे से रोटी बनते घर आगे पीछे नहीं आगे घरे, हाँ वहाँ से उसकी दो चार रोटी ले लो, भूख लग रही है। हरि बोल, वेयर इज योर स्कूटर, रूप सनातन तू मत भाग। देखो
पूरा सीखे पूरी कमेंट्री चल रही लाग नहीं ड्रॉप आधा रास्ता आ गए देखो आधे रास्ता आए तक इतनी देर हो गई चलते चलते अरे वो सामने दिख रही है पहले ही बताए जैसे जाओ गांव वाला इधर चलो नहीं नहीं उधर दिखा गांव चलो हमारा क्या है थका दिया दही तोड़ दी हमारे तो लोग आपको मां प्रसाद भेज देंगे और बस भेज दो अपना अकाउंट नंबर सेंड कर दो उनको बढ़िया लग गए जी जरूर आप अपना मोबाइल में रिमाइंडर में जाइए और लगा लीजिए रिमाइंडर हाँ 12 से 18 नवंबर शाम को 3 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक नहीं आपका ऑफिस से छुट्टी लेने की कोई जरूरत नहीं है अगर छुट्टी मिल रहा है तो अच्छा है नहीं मिल रहा है तो घर में बैठे बैठे लेते जाइए मजा विद्यालंकर वाणी का ये माता जी भंडारा दे रहे हैं जल्दी जल्दी आप लोग आ जाइए कर रहा है वैष्णव सेवा अगर आप वैष्णव सेवा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर से जल्दी जल्दी संपर्क कीजिए ये प्रवासी लोग भंडारा दे रहे हैं आप लोग जल्दी जल्दी आइए भाग गाड़ी फुल चार्ज अरे बाल पहले ही मैंने बताया था नहीं ये लीला है अरे ये कंठ कहां से आ गए हाँ अभी ले 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 लेकर आती हूँ कंठ बहुत सारे हो गया था अभी नहीं पिटाई करेंगे इसको और क्या हमारे गुरुदेव की 18 तारीख को शिला नितलम भक्ति प्रदान शिला बावन मूल साल महाराज तिर भाव तिथि नितलम भक्ति प्रदान को शिला अरे प्रभु इसमें बहुत है इसमें से मत कांटे घुस के पहुंचा था ये कैसे होगा आगे नहीं कुछ करना है क्या हमें मुझे भाग गए कैसे बंद है मेरे जाने इसका जो मन कर रहा है इसको नहीं लगता क्या काटा इसका काटा देगा हमारे तो काटे काटे ने लंका लगा दी काटे लग गए बहुत सारे चुप गए आई आने कौन से घाट पे आगे कौन से घाट पे आगे
देखो यमुना महारानी की जय। आप लोग सभी आप आइए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जी अभी हमें आप लोगों को दिखाता हूँ एक शानदार। महाराज जी हमारे साथ है आज, कोई बात नहीं, मैं सब कुछ दिखा, पूरे दिन बने रहेंगे महाराज जी हमारे साथ। पूरा दिन बने रहेंगे आज, आप लोग इधर उधर मत जाइए। उसको पावर बैंक लगा के रखिए। ऑफर आने वाला है, मीटर में ले लीजिए पावर बैंक लगा दीजिए। यदि आपके समय नहीं है देखने के लिए, केवल आप लोग अपने लोड कर लीजिए, अपने लोड करना पड़ता है, डाउनलोड कर लीजिए। समय के अनुसार आप लोग देखते रहिए आज वीडियो अगर किसी मन में अभी तक प्रतिक्रिया नहीं निकले हैं, हम लोग ब्रजवन मंडल पर विशेष करके जो है 12 वन के जो है सभी वन में हम लोग जा रहे हैं। COVID-19 को फॉलो करते हुए हम लोग एक के बाद एक वन में जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं यमुना वन में, पहुंच चुके हैं यमुना वन में। ये नया आया क्या? ये दिल्ली वाला यमुना बैंक में, ये तो रियल यमुना जी, हाँ वही यमुना जी ने। और इसको ही खींच करके लेके गया था ना राम दादा, क्योंकि पहले सुना था आप लोगों भजन जरूर सुनाएंगे, वो अभी MP3 व्हाट्सएप में आ रहे हैं। खींच के लेके गया था, पूछा आप बताओ कौन लेके चले गया था, सिर हो गई बताओ। अरे तुम भी उधर लगा रोहित प्रो, बताओ क्या बताएं, खींच के कौन ले गया था? वो खींच के लेके गया जी, बलदेव प्रभु लेके गया था। सही जवाब इनको मिलता है, अभी रहे नहीं प्रभु, सही जवाब केवल गौड़िया मठ से। अरे वाह, बलदेव प्रभु राज करते करते इस जमुना के जाने सरित प्रवाह समुद्र पत्नी जमुना के खेच कर ले गए, विशाखा देवी अथवा जमुना के खेच नहीं, यह गौड़िया बुजुर्ग की एकमात्र सही सिद्धांत आपको मिलेगा। हाँ, और इसी राम घाट के ऊपर एक शानदार भजन है जो कि दिसंबर महीने में आ रहे, शंकर महादेव इनका कैंसर देख रही है विद्या लक्ष्मणी भाई। हाँ मारा मठ तो आगे सामने, हमारा मठ रूप सनातन मठ तो सामने, मेरा ये सामने रूप सनातन गौड़िया मठ के दर्शन कीजिए यमुना पार से। गली मान गली कुंज गली और यमुना गली, यमुना गली चार गली के बीच में रूप सनातन गौड़िया मठ, जो हमारे गुरुदेव ने बहुत ही शानदार स्थिति से प्रकट किया हुआ है। हरि बोल, ये शानदार यमुना का दर्शन कीजिए। हरि बोल, दर्शन करने से बार बार आपका मन ललचेगा। अगर आप लोग जमुना जी का आरती करना चाहते हैं तो घर में बैठे बैठे कर सकते हैं, बस देते रहिए लाइक, एक लाइक का समान एक दिया है आपके लाइक सब्सक्राइब से हमारे उत्साह देते हैं। ये लाल बटन के केवल आप एक बार इसको दबा के रखिए, कंटिन्यू दबा के रखिए, छोड़िए मत। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय, बंसी जय। हम लोग आपके लिए आभारी रहेंगे यदि इस ब्रजमंडल परिक्रमा को आप दर्शन किया, श्री गुरुदेव बहुत प्रसन्न होंगे। हरि बोल, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रजवासी ए ब्रजवासी के फोटो ले लीजिए, जय ब्रजवासी की जय। ये ब्रजवासी देख रहे हैं हमारे अत्यंत प्रेम मित्र है, ये ब्रज में यहाँ पर रहते हैं, ये
देखो ब्रजवासी एक बार बोले अरे वो रोहिणी प्रभु थोड़ा कुछ कहेंगे आप भी आप कुछ कहेंगे थोड़ा क्या पूछ ले यार ये तो पीछे ब्रजवासी से मिल रहे हैं ये हमारे दिल्ली वाले रोहिणी प्रभु जी बहुत सुंदर कथा करते हैं आप इनकी कथा सुना करें ये लाइव नहीं करते बस इतना करते हैं आपको डायरेक्ट आना पड़ेगा ऑन द स्पॉट हम क्लास करते हैं हाँ स्काइप पे रोज स्काइप पे कितने लोग आते हैं फेसबुक पे करा करो जो सब देखें पूरा वर्ल्ड या यूट्यूब पे क्लास है ना वो फिर हाँ तो कुछ भाई सब देखेंगे ना भगवत क्लास तो होगी कोई स्कूल क्लास तो नहीं होगी ना चलाते तो स्कूल की क्लास की तरह ही है पर है भगवत क्लास तो बस भगवत क्लास सबको देखनी चाहिए स्टडी पैटर्न से चलते हैं देखिए ये यमुना के बीच में बैठ के ये कोई अपना पुरुषोत्तम क्या कर रहे हैं क्या कहते हैं कुछ तर्पण वगैरह कर रहे हैं यमुना जी को ऐसे कुछ लग रहा है बिल्कुल बीचों बीच घाट के चारों तरफ इनके यमुना जी है ये भी चालू है अब देख देख तो सुनना पड़ेगा ये यमुना जी है यम बंदन यमुना महारानी की जय मां पुनातु सर्वदा अरविंद बंधु नंदनी मां पुनातु सर्वदा अरविंद बंधु नंदनी अरविंद बंधु नंदनी का मतलब क्या है प्रणाम करता हूँ बस इतना पता मुझे तो मैं प्रणाम करता हूँ नहीं नहीं वो तो मां पुनातु हाँ तो मैं प्रणाम करता हूँ बस सर्वदा अरविंद बंधु अरविंद कौन है कमल कमल का बंधु कौन है सूर्य जो कमल को खिलाता है और उसकी नंदिनी उसकी बेटी तो कि सूर्य पुत्री तो है सूर्य पुत्री यमराज जी की बहन हाँ वे कैसे आ गए थे जल्दी पर वो घूम घाम के वो पहले भाग गए थे ना केव के बीच में अच्छा अच्छा कालू आ रहा आसमान कर थोड़ा सा अगर आप सबको भी आचमन करना है तो आके आप यमुना जी में आचमन कर सकते हैं कोई नहीं रोकेगा जैकेट पसीने होगी निकाल दो उसको निकाल दो सारी बिल्ली होगी पसीने Hey! देख देख के बैठना सब बहुत लोग आ रहे हैं जान लो और जाएंगे
हरे कृष्ण पार करे महाराज सभी देखते रहिए महाराज अभी हरि कथा कराइए बंगाल के सबसे बड़े प्रचारक है हमारे सबसे बड़े प्रचारक है हमारे ए भोदा उधर बैठो इतना बोल दे उधर बैठो काटे तो नहीं छुपे हमारे छपे बहुत सारे छुपे अंदर घुस गए मैं चलते कुछ तो कांटे चुप गए बंद कर दो अभी तो लाइव वीडियो यहाँ तक आवाज आ रही है यहाँ तक आवाज आ रही है
आराम से धीरे 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 चलते रहो जा 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 बैठो धीरे धीरे जा धीरे धीरे जाओ धीरे जाओ पीछे दूसरी भेजो उसको मेरे भी आ रहे पीछे नहीं भैया पीछे भी तो आ रहे सब आ जाएंगे हम हाँ एक बार लिया उसको कल को बोलो हाँ जाओ तुम जाओ लेके तीन लोगों से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह साढ़े चौदह पंद्रह सोलह वो बैठ के फिरा लिया इसमें हाँ और क्या कितने लोग थे 20 30 40 भी जाते हैं मैं करूँ तो एक दिन देखेंगे कंटिन्यू चल रहे हैं जब से 3.5 घंटे की लाइव होगी वीडियो कंटिन्यू गुरुदेव मठ से अब तक 3.5 घंटे हो गए गए हुए रात 40 तक हो गए थे अब तो कम हो गए अब कथा चलेगी ना उस टाइम बहुत ज़्यादा हो गए अब तो 17-18 लोग कथा तो रिकॉर्ड कर ली मैंने यूट्यूब पे डाल दी 3.5 घंटे से कंटिन्यू लोग बने हुए कंटिन्यू सब देख रहे हैं ब्रजबंध पर दर्शन ले रहे हैं आनंद घर पर बैठे बैठे पूरा लाइव कंटिन्यू चल रहा है कुछ कुछ कहिए बोलेंगे वे बोलने वाले प्रभु आ रहे हैं कमेंटेटर ये देखिए विद्या अलंकार वाणी के प्रभु आ रहे हैं क्या सोच सो कर आ रहे हैं ये बच्चे हरिदास वाह वाह ये तो आनंद ले रहा है पूरा बेहोश है ना पूरा बेहोश क्या सो रहे हो पूरा रास्ते गोदी में फिर भी सो रहा है हाँ फिर भी सो रहा है उठ जाओ अभी नाव आ रहा है देखो दीदी जी कैसी हालत होगी बच्चों को लाते लाते आराम से सो रहा है कोई उसको वो नहीं है मतलब ये हमारे अनुपम प्रभु अपना कैमरा लेकर वापस आ गए हैं
इनका मन नहीं लगा गुरुदेव के बिना दोबारा फिर आगे जय आप चलो दिखाओ तो हाँ सब इस पर आ जाओ ये डंडा को पकड़ के डाट दो गाड़ो गाड़ दो गाड़ो गाड़ो ऐसे करना पड़ता है आप उधर बैठना मैं एक जगह मैं बैठूंगा आ जाओ पहले इधर बैठो आगे आप इधर कौन बैठे बैठो ना पहले बैठ जाओ अरे भाई अरे उसे गिरो नहीं बैठो तुम अकेला बैठ गया तो रोज बैठ दो आजा वक्त ये हिल रही है सारी नाव उधर बैठो उधर भी बैठो मैं हल्का हो गया मैं हल्का हो गया ए बैठ सीट 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 है सीट 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 क्या होगा यहाँ तक भी कोई पानी नहीं है पैदल आया था पैदल एक कहानी सुनी है जो ये हुआ ना सूर्या गहन तो हो गया हम सब नहाने आए यहाँ पे पैदल आए यहाँ पे नौ में आया यहाँ से पैदल गया तो पहले अनिल प्रभु जा रहा था तो वहाँ जाके उनको इतना तक पानी हो गया तो उनको सोचा डूब रहे तो नौ बला के उनको उठाया और पूरा यहाँ पे रट गया कि डूब सनातन का कोई गोपी पानी में डूब रहा है नौ बला नहीं लगा उसको पूरा गोपी बना दिया इसको ओ अनिल प्रभु ओए अनिल प्रभु ओए हमारा हां ये ओ अनिल नाव वाला बोल बोले मिट्टी बहुत फेंकी शशिकला तुम वृंदावन में रहोगे ना मथुरा जाओगे अभी मैं सुन रहा हूं महाराज मैया खोक रहा है हां मैया मैया तुम्हें खोज रहा है हां बोलते हैं मेरी मौसा शरीर छोड़ दिया शरीर छोड़ दिया ये भागवत होगी मथुरा में बोलते हैं मथुरा में जाऊं भागवत कथा सुनने के लिए जाऊं बोलते हैं उसके साथ जाने के लिए ठीक ठीक अरे हां वृंदावन में भी हम भागवत कथा करेंगे हरि बोल कृष्ण कथा वृंदावन लीला का साथ जरूर सुनेंगे आप लोग को कराएंगे विद्यालंकर ये नाव उधर ज्यादा झुक रही है अब देख लो क्या फर्क है जी वाला लीला बताइए ना वो जो नौ भैया कर रहे थे ना एक बार ठाकुर जी ने ऐसा ऐसा ऐसे कर रहे थे बता दीजिए कृष्णा नौ का विलास कर रहे थे कृष्णा एक टूटी फूटी नाव लेकर के आ गए बोले कोई है नाव में जाने वाले तब गोपियों ने कहा हम तो पार होना चाहते बोले बैठ जाओ सबके सब नाव में उनको बैठा करके बीच में ले आए और कृष्ण नाव को डगोगाने लग गए बोले मेरा नाव तो टूटा फूटा नाव है और तुम इतने सारे गोपियाँ बैठ गए हो मेरा नाम तो एक मण ही मेरा नाव ढो सकता है इसलिए तुम लोग खबरदार हम तुमको पार नहीं करा सकते हैं ज़्यादा भोजन हो रहा है पहले दही को फेंको दही दूध को फेंक दिए बोले तब भी भोजन सहन नहीं कर पा रहे अलंकार को फेंको अलंकार को फेंक दिए बोले तभी भी भोजन हो रहा है हैं इसलिए कपड़ा को भी फेंकना पड़ेगा इतने में कृष्ण ने किया क्या जानबूझकर नाव को बड़े जोर से हिलाए हिलाए तो इतने में राधा रानी कृष्ण को पकड़ लिए गोपियों का भावना किया है कब हम राधा कृष्ण दोनों का हम जुगल मिलन कराएंगे आज जुगल मिलन हो गया तो सब गोपियों ने बड़े प्रसन्न होकर के जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन आरती कराए ललिता दिशा की गान मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर पीतांबर सिखी पूछ चूड़ा मनोहर ललित माधव बामे वृष भानु कन्या नील वसन गौर रूप गुण धान्य नाना विध अलंकार कर जल माल हरि मानव मोहन वदन उज्ज्वल विशाख दिशा की गण नानर श्री राधा माधव पद सरसि जयास भक्ति विनोद सखी पद सुख वास हरि बोल हरि बोल हरि बोल ए हाथ उठा सारे लोग चलेंगे साथ चलेंगे ले जाते हैं धीरे धीरे
आराम से उठाओ मैं कन्हे विश्राम हो गए। आज की यात्रा विश्राम हो चुकी है। सभी को हरे कृष्णा। आप गुरुदेव का यमुना जी का दर्शन करके प्रणाम कीजिए। हरि बोल।